हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी टाइगर थ्री मूवी के बारे में ये मूवी कौन सर कहाँ पे आपको हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानिए पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में ते वीडियो का भी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप इस वीडियो को अंत तक जोर देखिएगा दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो टाइगर थ्री एक दो तेईस भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो आर एफ यूनिवर्स में पांचवी किस्त है सलमान खान कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी और मनीष शर्मा धारा निर्देशित और यश रस फिल्म के तहत आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है टाइगर जिंदा है दो की अगली कड़ी यह फिल्म वार 2019 और पठान 2023 की घटनाओं पर आधारित है इसमें टाइगर और जोया एक दुष्ट आईएसआई एजेंट को रोकने के लिए निकलते हैं पाकिस्तान सरकार के खिलाफ तख्ता पलट करने के लिए उनका इस्तेमाल करता है प्रमुख फोटोग्राफी मार्च दो हज़ार इक्कीस में दिल्ली मुंबई इस्तांबुल सेंट पीटर्सबर्ग और वियना में की फिल्मांकन के, फिल्म के, के साथ शुरू हुई फिल्म का साउंड ट्रैक प्रीतम धारा रचित है जबकि बैकग्राउंड स्कोर तनु टीकू धारा रचित है तीन सौ करोड़ के अनुमानित बजट के साथ यह सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है और यह राज फिल्म द्वारा निर्मित सबसे महंगी फिल्म है टाइगर थ्री को दिवाली के अवसर पर 12 नवंबर 2023 को मानक आईमैक्स 4DX फोर और अन्य प्रारूप प्रीमियर प्रारूपों में रिलीज किया गया था इस आलोचकों से मिकसित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके एक्शन दृश्य संगीत और कैफ और हाशमी के प्रदर्शन की प्रशंसा हुई लेकिन इसके कथानक और गति की आलोचना हुई फिल्म ने दुनिया भर में चार छियासठ पॉइंट सिक्स थ्री करोड़ की कमाई की जो 2023 की पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और 2023 की आठवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई टाइगर थ्री को शुरू में ईद के अवसर पर 21 अप्रैल 2023 को रिलीज किया जाना था फिर इसे 12 नवंबर 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया और नौ दिवासी दिवाली के अवसर पर तमिल और तेलुगु में डब संस्करणों के साथ हिंदी में दुनिया भर में आठ स्क्रीनों पर रिलीज किया गया इस्लामिक देशों में के नकारात्मक चरित्र चित्रण के कारण फिल्म को ओमान कुवैत और कतर में प्रतिबंधित कर दिया गया था फिल्म का प्रीमियर सात जनवरी 2024 से अमेजॉन प्राइम वीडियो पर किया गया था पंद्रह दिसंबर 2023 तक टाइगर ने भारत में तीन करोड़ से अधिक और विदेशों बाजारों में एक करोड़ से अधिक की कमाई की दुनिया भर में कुल मिलाकर 466.63 करोड़ से अधिक की कमाई हुई इस फिल्म ने दिवाली पर किसी हिंदी भाषा की फिल्म के लिए सबसे अधिक ओपनिंग डे पर चौरानवे करोड़ की कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया जिसमें उत्तरी अमेरिका में भुगतान किए गए पूर्वालोकन से 7.76 करोड़ शामिल थे फिल्म के हिंदी संस्करण ने भारत में रिकॉर्ड तोड़ तैतालीस करोड़ की कमाई की इसके डब तमिल और तेलुगु संस्करण से अतिरिक्त 1.50 करोड़ कमाए, कुल मिलाकर 44.50 करोड़ यह खान और कैब दोनों के लिए सबसे बड़ा वैश्विक शुरुआती सप्ताह था समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रूटिन टोमैटोज पर 21 आलोचकों में से सत्तावन परसेंट समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग दस में से सिक्स है टाइगर थ्री को रिलीज होने पर आलोचकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें इसके एक्शन दृश्य संगीत स्कोर तकनीकी पहलुओं और कलाकारों के प्रदर्शन विशेषकर कैफ और हाशमी के लिए प्रशंसा हुई लेकिन इसके कथानक और गति के लिए आलोचना हुई बॉलीवुड हंगामा के तरुण आदर्श ने फिल्म को पांच में से चार स्टार दिया टाइगर थ्री सबसे बड़ा धमाका है जिसकी आप इस दिवाली उम्मीद कर सकते हैं ने दूसरे भाग और खान कैफ और हाशमी के प्रदर्शन की प्रशंसा की और शाहरुख खान के कैमियों की सराहना की पिंक विला के हिमेश पांकड पाकड़ ने फिल्म को पाँच में से तीन फाइव स्टार दिया और लिखा टाइगर थ्री में खान कैफ और हाशमी के सशक्त प्रदर्शन के साथ जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस है जबकि कुछ स्थानों पर गति एक मुद्दा है मुख्य कथानक का में काफ़ी कुछ है बड़े पर्दे पर आपको बांधे रखने के लिए एक भावनात्मक जुड़ाव यह फिल्म एक एक्शन से भरपूर मनोरंजक किया फिल्म है जिसमें खान की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने के लिए सभी सामग्रियाँ हैं न्यूज एटीन के सुनील देदिया ने फिल्म को पाँच में से थ्री फाइव स्टार दिया और लिखा टाइगर थ्री में खान और कैफ के साथ कुछ उत्कृष्ट एक्शन दृश्य हैं हाश में एक खलनायक के रूप में अपनी भूमिकाएं भूमिका के साथ न्याय करते हैं टाइगर थ्री में कई प्यार प्यारे योग्य क्षण हैं जिसमें शामिल है कैमियो जिसे हर कोई जानता है खान प्रशंसकों को इस दिवाली एक सौगात मिलने वाली है फर्स्ट पोस्ट के विनम्र माथुर ने पाँच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए और लिखा खान और कैफ पूरे जोश के साथ टाइगर थ्री के एक्शन के लिए खुद को प्रस्तुत करते हैं फिल्म स्टाइलिश चिकनी दिखती है लेकिन थोड़ी लंबी है केवल अगर इसमें अधिक रोमांच और तनाव हो और कम बात करना टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कुटेजा ने फिल्म को पाँच में से तीन स्टार दिए और लिखा टाइगर 3 बड़े पैमाने पर मनोरंजन के लिए पर्याप्त बारूद के साथ फ्रेंचाइजी के लिए एक अच्छा अतिरिक्त है इंडिया टुडे के जीनिया बंदोपाध्याय ने पाँच में से तीन स्टार दिए और लिखा एक भीड़ वाले जासूसी ब्रह्मांड के बावजूद टाइगर थ्री अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब है खान प्रशंसक निराश नहीं होंगे लेकिन कोई कैफ को जोया सीरीज का नाम दे एन के शैब चटर्जी ने फिल्म को पाँच में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिया और लिखा एक या दो सितारों की उपस्थिति के बिना सभी तकनीकी रज्जा रज्जा मातु शून्य हो जाते हैं जो चमक जोड़ सकते हैं भले ही सतही प्रकार की अभ्यास में द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को पाँच में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिए और लिखा खान अपनी उम्र के लिए लग रहे हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि यह इसे छिपा नहीं रहे हैं और निश्चित रूप से फिल्म का सबसे अच्छा हिस्सा वह है जब पठान और शाहरुख खान अपने बालों के साथ मैन वन और स्मार्ट वन लाइनर शूट करते हुए क्षितिज में उड़ते हुए आते हैं रेडिफ की सुकन्या वर्मा ने पांच 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा बहुत बुरा हुआ कि एक समय पर्यावरण के अनुकूल था टाइगर ने अपनी दिवाली मीठा के साथ मनाना चुनाना की पटाखा के साथ हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल को क्रेजा ने इसकी गति को असंगत कहा और लिखा टाइगर 3 विशाल मसाला और अवश्य देखी जाने वाली है इसलिए नहीं कि यह एक उत्कृष्ट कृति है बल्कि इसलिए क्योंकि हम हर रोज नहीं होता है कि अब दो सुपरस्टारों को स्क्रीन स्पेस इस साझा करते हुए देखें भले ही वह कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो थोड़ी देर निर्देशक के रूप में शर्मा ने सभी तत्वों को इस तरह से पैक किया है कि यह एक दिलचस्प घड़ी बन जाए जबकि कहानी और व्यापक कथानक का काफी जटिल और जटिल है जिसमें हर कुछ मिनटों में एक नया मोड और मोड आने का इंतजार रहता है लेकिन जो समस्या बनी रहती है वह है असंगत गति क्वीट के प्रत्यक्ष मिश्रा ने लिखा टाइगर थ्री उन फिल्मों में से एक है जिन्हें शुद्ध एक्शन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी टाइगर और जोया के बीच की प्रेम कहानी टाइगर फ्रेंचाइजी का मुख्य आकर्षण है इसके बजाय टाइगर थ्री एक पर केंद्रित है एक उद्धतकर्ता परिसर और प्रदर्शनी का मदन मदक मिश्रण है रोस्टर में नए शामिल होने और पुराने परिचित चेहरों के मिश्रण में लौटने के बावजूद टाइगर थ्री में कहानी को बनाने के लिए आवश्यक रोमांच और चुटचपा चुट चुट नहीं है दोस्तों बात करें फिल्म की कथानक के बारे में तो उन्नीस में एक किशोरी जोया अपने पिता आईएसआई एजेंट रेहान नजर को एक बम विस्फोट में मरते हुए देखती है उसके अंतिम संस्कार संस्कार के बाद नज़र का विषय आतिश रहमान उससे मिलने जाता है जो उसे आई में शामिल होने के लिए मना लेता है वर्तमान में अविनाश टाइगर सिंह राठौर को नए प्रमुख मैथिली मेनन द्वारा टाइगर के पूर्व हैडलर गोपी आर्य को बचाने के लिए एक मिशन के लिए बुलाया जाता है जिसे पाकिस्तान में योजना बनाए जा रहे हैं एक मिशन के बारे में तालिबान से जानकारी निकालने के लिए की कोशिश के बाद अफगानिस्तान में पकड़ लिया गया था अपने बचाव के बात गोपी ने टाइगर को बताया कि जोया नियोजित मिशन में शामिल है और उसकी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई टाइगर जोया की जासूसी करना शुरू कर देता है और बाद में उसे रूस के सेंट पी, पीटर्सबर्ग में जिब्रान शेख नामक एक रॉ एजेंट की सुरक्षा का काम सौंपा जाता है जो गोपी के साथ काम करता था और पाकिस्तान में पाए जाने के बाद देश से भाग जा गया था टाइगर ने जोया धारा शेख की हत्या के प्रयास को देखा उसे बचाने का के बाद टाइगर को आतीश ने पकड़ लिया जिसने खुलासा किया कि उसने जोया को लगभग नशीला पदार्थ खिलाकर और टाइगर के बेटे जूनियर का अपहरण करके शेख की हत्या करने के लिए मजबूर किया था बारह साल पहले है कि फ्लैशबैक में यह पता चलता है कि आतिश ने भारतीय सेना के जनरल की हत्या करके वियना में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति संधि को पटरी से उतारने की कोशिश की थी योजना में सहयोग करने से इनकार करने के बाद जोया गुप्ता रूप से गुप्त रूप से टाइगर को सूचित करती है आतीश की गर्भवती पत्नी शाहीन बेग ने खुद हत्या का प्रयास किया लेकिन टाइगर ने उसे गोली मार दी आतीश ने इस बात से इनकार किया कि उसके एजेंटों को योजना के बारे में पता था और बाद में उसे जेल में डाल दिया गया और आईएसआई से बाहर कर दिया गया टाइगर और जोया जूनियर के बदले में इस्तांबुल में मिसाइल लॉन्च कोड वाले आतिश के लिए एक विफकेश चुरा के लिए राह एजेंटो राकेश कारण और, और करण और निखिल की पत्नी टीम की भर्ती करते हैं इसके बाद आतिश ने टाइगर और जोया को उनके संबंधित देशों द्वारा देशद्रोही के रूप में दोषी ठहराया जिसके कारण टाइगर को उत्तरी पाकिस्तान की एक सेना जेल में बंद कर दिया गया टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है लेकिन वह पठान की मदद से भागने में सफल हो जाता है इसके बाद वह इस्लामाबाद की यात्रा करता है जहां वह अपने दत्तक पुत्र हसन से मिलता है जिसे टाइगर ने स्क्रिया में स्क्रीट में एक मिशन में बचाना बचाया था टाइगर की टीम जोया और आईएसआई एजेंट अबरार और जावेद इस्लामाबाद लौटते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि आतिश और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल इम्तियाज हक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या करने की योजना बना रहे हैं ताकि अतीश उनकी जगह ले सके टाइगर जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से पाकिस्तान के पीएमओ में प्रवेश करती है और ईरानी को योजना बताती है टाइगर और जोया ईरानी को एक भूमि भूमिगत बंकर में ले जाते हैं और टाइगर हक को सार्वजनिक रूप से योजना का खुलासा करने के लिए मजबूर करते हैं हालांकि आतिश ने जावेद की मदद से हक को गुप्त रूप से मार डाला जो हाशी शाहीन का भाई बताया गया और टाइगर को हक की हत्या के लिए फंसाया अबरार और करण को आतिश और जावेद ने मार डाला जो ईरानी का पता लगाने लगाते हैं हसन ने खुद को बलिदान कर दिया जिससे टाइगर और जोया को ईरानी को भगाने में मदद करने का मौका मिला जोया ने जावेद की हत्या करने के अबरार और करण की मौत का बदला लिया टाइगर और आतिश के बीच लड़ाई हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप टाइगर आतिश को मार देता है ईरानी ने आतिश की साजिश को जनता के सामने उजागर कर दिया और टाइगर जोया और उनकी टीम निर्दोष साबित हुई टाइगर मेनन से संपर्क करता है और उसे आश्वासन देता है कि वह हमेशा अपने देश की सेवा के लिए मौजूद रहेगा मेड क्रेडिट दृश्य में कर्नल सुनील लूथरा कबीर धालीवाल से संपर्क करते हैं और उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या करने का काम सौंपते हैं अविनाश टाइगर सिंह राठौर एक राव एजेंट और जोया के पति के रूप में सलमान खान जोया के रूप में कैटरीना कैफ इमरान हाशमी आतिश रमान के रूप में रेवती राव की प्रमुख मैथिली मेनन के रूप में सिमरन पाकिस्तान की प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी के रूप में शाहीन बेग आतिश की पत्नी और जावेद की बहन के रूप में रिद्धि डोगरा हसन अली के रूप में विशाल जेठवा राकेश प्रसाद चौरसिया के रूप में कुमुद मिश्रा टाइगर के पूर्व हैडलर गोपी आर्य के रूप में रणवीर सौरी जोया के पिता रेहान नजर के रूप में आमिर बशीर गेवी चहल मेसर अबरार के रूप में करण राव के रूप में अनंत विदा शर्मा शाहीन के भाई कैप्टन जावेद बेग के रूप में दानिश भट्ट शरताज कक्कट जूनियर टाइगर के और जोया के बेटे के रूप में निखिल के रूप में चंद्रचूड़ राय जनरल इस्तिमाक हक सेना प्रमुख के रूप में शाहिद लतीफ डॉक्टर हॉफमैन के रूप में एडवर्ड सोनेल नलबीर जिब्रान शेख के रूप में नीरज पुरोहित दानिक हुसैन आई के महानिदेशक जनरल डीजी रियाज के रूप में जनरल जिमो के रूप में मिशेल ली अनिल कुरुवीव भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में डेंजिल स्मिथ भारतीय रक्षा मंत्री के रूप में विमल ओबरो जनरल रिबेल थल के रूप में गुरकीत कौर युवा जोया के रूप में रमीज के रूप में संदीप कुलकर्णी शकील पाकिस्तानी प्रिजन गार्ड के रूप में वरिंदर सिंह गुमन पठान के रूप में शाहरुख खान विशेष उपस्थिति में कर्नल सुनील लूथरा के रूप में आशुतोष राणा कैमियो उपस्थिति मेजर कवि कबीर शी धालीवार के रूप में ऋतिक रिति, रोशन कैमियो उपस्थिति 2020 की शुरुआत में यह बताया गया कि टाइगर जिंदा है दो का सीक्वल विकास में था जिसमें सलमान खान और कैटरीना कैप अपनी भूमिकाओं को दोहरा रहे थे दो के अंत में मनीष शर्मा को मनीष शर्मा को अली अब्बास जफर की जगह लेते हुए फिल्म का निर्देशन करने के लिए चुना गया जिन्होंने पिछली किस्त का निर्देशन किया था 4 मार्च 2022 को यशराज फिल्म्स द्वारा इस परियोजना की घोषणा की गई थी शानू शर्मा फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर थी फरवरी 2021 में सलमान खान और कैटरीना कैफ के टाइगर और जोया के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराने की पुष्टि की गई जिसमें इमरान हाशमी को खलनायक के रूप में लिया गया अनुपस्थित रहने के बाद रणवीर और शोरी को फ्रेंचाइजी में लौटने की घोषणा की गई टा, टाइगर जिंदा है में विशाल जेठवा अक्टूबर दो में कलाकारों में शामिल हुए जबकि रेवती और रिद्धि डोगरा को एक महीने बाद चुना गया शाहरुख खान और ऋतिक रोशन ने कैमियो भूमिका में क्रमश पठान और मेजर कबीर धालीवाल के रूप में अपनी भूमिकाएँ दोहराई मुख्य फोटोग्राफी मार्च दो के तीसरे सप्ताह में दिल्ली और मुंबई में शुरू हुई छब्बीस फरवरी दो को मुंबई के आ, वाई आर एफ स्टूडियो में एक प्रारंभिक पूजा आयोजित की गई थी इसके बाद फिल्मांकन तुर्की में हुआ जिसमें कंपाडोसिया अंताल्या और इस्तांबुल शामिल थे जबकि जबकि अगस्त 2021 में सेट पीट्सबर्ग में एक पीटरबर्ग में एक कार का पीछा करने का दृश्य फिल्माया गया था अतिरिक्त दृश्य ऑस्ट्रिया में फिल्माए गए थे और अल्टोसिया में सितंबर 2021 में भारत में फिल्मांकन फरवरी 2020 तक नई दिल्ली में फिर से शुरू हुआ और आगे के एक्शन दृश्यों को अप्रैल 2023 में मुंबई में फिल्माया गया शाहरुख खान का कैमियो था मई आइलैंड में 10 दिनों के शेड्यूल के भीतर फिल्माया गया जहां एक एक्शन सीक्वेंस के लिए एक बड़े सेट का निर्माण किया गया था ऋतिक रोशन का कैमियो वार्ड टू के निर्देशक अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित किया गया था फिल्मांकन मई दो में संपर्क हुआ संपन्न हुआ फिल्म का साउंड ट्रैक प्रीतम धारा संगीतबद्ध किया गया था जबकि इर्शाद कामिल और अमिताभ भट्टाचार्य ने गीत लिखे थे बैकग्राउंड स्कोर तनुज टीकू धारा तैयार किया गया था पहला एकल शीर्षक लेके प्रभु का नाम तेईस अक्टूबर दो तेईस को जारी किया गया था दूसरा एकल शीर्षक रुआ छः नवंबर दो को जारी किया गया था टाइगर का मैसेज नामक एक टीजर सत्ताईस सितंबर दो को जारी किया गया था आधिकारिक ट्रेलर सोलह अक्टूबर दो को जारी किया गया था कैटरीना कैफ एक ब्रिटिश अभिनेत्री हैं जो हिंदी भाषा की फिल्मों में काम करती है भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक उन्हें तीन फिल्मफेयर नामांकन के अलावा चार स्क्रीन पुरस्कार और चार जी सीने पुरस्कार सहित प्रशंसा मिली है हालांकि उनके अभिनय का स्वागत अलग अलग है फिर भी उन्हें उनकी एक्शन फिल्म भूमिकाओं और विभिन्न सफल आइटम नंबरों में उनकी नृत्य क्षमता के लिए जाना जाता है हंगकांग में जन्मी कैब तीन साल के लिए लंदन जाने से पहले कई देशों में रही उन्हें किशोरावस्था में अपना पहला मॉडलिंग असाइनमेंट मिला और बाद में उन्होंने एक फैशन मॉडल के रूप में अपना करियर बनाया लंदन में एक फैशन शो में भारतीय फिल्म निर्माता कैजाद गुस्ताद ने उन्हें बूम 2003 में कास्ट किया जो एक महत्वपूर्ण और व्यवसायिक विफलता थी जबकि कैफ ने भारत में एक सफल मॉडलिंग करियर स्थापित किया लेकिन हिंदी पर उनकी खराब पड़ो के पकड़ के कारण शुरू में उन्हें फिल्म भूमिकाएं ढूंढने में कठिनाई हुई तेलुगु फिल्म मल्लेश्वरी 2004 में दिखाई देने के बाद कैफ ने रोमांटिक कॉमेडी मैंने प्यार क्यों किया से बॉलीवुड में व्यावसायिक सफलता अर्जित की 2005 और नमस्ते लंदन दो हजार सात पर हिट फिल्मों की एक श्रृंखला के साथ आगे सफलता मिली लेकिन उनके अभिनय दोहराव वाली भूमिकाओं और पुरुष प्रधान फिल्मों के प्रति झुकाव के लिए उनकी आलोचना की गई थ्रिलर न्यूयॉर्क 2009 और रोमांटिक कॉमेडी मेरे ब्रदर कि दुल्हन 2021 में कैफ के प्रदर्शन को बेहतर सराहना मिली जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला इस अवधि के दौरान उन्होंने अजब प्रेम की गजब कहानी 2009 राजनीति 2010 और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2011 दो में अभिनय किया और एक्शन थ्रिलर एक था टाइगर दो धूम थ्री दो में उन्हें बड़ी व्यावसायिक सफलता मिली और बैंग बैंक दो ये सभी फिल्मों सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से, से शुमार है तब से व्यवसायिक सफलता रही है एक्शन फिल्में। टाइगर जिंदा है 2017, हजार सत्रह सूर्यवंशी दो, सूर्य दो और टाइगर थ्री 2023 और ड्रामा भारत 2019 बॉक्स ऑफिस पर हिट बनकर उभरी रोमांटिक ड्रामा जीरो 2018 में कैफ की एक शराबी अभिनेत्री की भूमिका ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का जी सिंह पुरस्कार दिलाया मीडिया में कैफ अक्सर भारत की सबसे लोकप्रिय और आकर्षक हस्तियों की सूची में शामिल होते हैं एक नियमित ब्रांड एंडोर्सर, उन्होंने 2019 में अपनी कॉस्मेटिक लाइन के ब्यूटी लॉन्च की व स्टेज शो में भाग लेती है और अपनी मां की चैरिटी रिलीफ प्रोजेक्ट्स इंडिया से जुड़ी है जो वंचित बच्चों की मदद के लिए काम करती है कैफ ने अभिनेत अभिनेता विक्की कौशल से शादी की है 2019 में कैफ ने एक बार फिर से सलमान खान और अली अब्बास जफर के साथ नाटक भारत में सहयोग किया जो दक्षिण कोरियाई फ़िल्म ओड टू मार वो टू माई फादर दो हज़ार चौदह का रूपांतरण था कैफ ने एक इंजीनियर की भूमिका में प्रियंका चोपड़ा की जगह ली जिसे खान के चरित्र से प्यार हो जाता है कैफ ने मीडिया के उन अटकटों को खारिज कर दिया कि उन्होंने यह भूमिका अपने दोस्त खान के पक्ष में स्वीकार किया है और स्क्रिप्ट की सराहना का हवाला दिया भारत दो हज़ार उन्नीस की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई जबकि फिल्म की समीक्षाएं अलग अलग थी द गर्जियन में माइक ने कैफ और खान के बीच अच्छी केमिस्ट्री को नोट किया और सोच की सोचा कि उनके नजरिए में ईमानदारी ने दर्शकों को उनके चरित्र के संदिग्ध विकल्पों को नजरअंदाज करने में मदद की कैफ की 2020 की एकमात्र फिल्म अक्षय कुमार के साथ रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी होती है लेकिन भारत में कोविड 19 महामारी के कारण नवंबर 2021 में इसकी अंतिम रिलीज तक कई देरी हुई शेट्टी की लार्जर देन लाइफ निर्देशन शैली के प्रशंसक कैफ ने कुमार के किरदार की पत्नी की भूमिका निभाई सूर्यवंशी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और कुछ समय के लिए भारत के साल की भारत की साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई कैफ ने अगली बार कॉमेडी हॉरर फिल्म फोन भूत दो में सिद्धार्थ चतुर्वेदी और ईशान खट्टर के साथ एक भूत की भूमिका निभाई द इंडियन एक्सप्रेस और द वीक के समीक्षक उनकी कॉमेडी टाइमिंग से प्रभावित नहीं थे वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स के हिस्से के रूप में कैफ ने अगली बार टाइगर थ्री 2023 में जोया के रूप में अपनी भूमिकाएं दोहराई उन्होंने फिल्म में अपने स्टारर करने के लिए दो महीने के शारीरिक प्रतिक्षण को अपने कॉरियर का सबसे चुनौतीपूर्ण माना आलोचक रोजर एबॉट की वेबसाइट में एक समीक्षक ने लिखा है कि कैफ को कुछ दृश्य चुराने के को मिलते हैं विशेष रूप से स्नात स्नानगर में एक युद्ध दृश्य जबकि वह अपने कलाकार सलमान खान की तुलना में बंदूक के साथ एक बेहतर आकर्षण बनाए रखती है टाइगर थ्री को कैफ के करियर का सबसे बड़ा शुरुआती सप्ताह हाथ मिला और इसने दुनिया भर में 4.6 बिलियन से अधिक की कमाई की वह श्रीराम राघवन की द्विभाषी थ्रिलर मेरी क्रिसमस में विजय सेतुपति के साथ अभिनय करेंगी अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान एक भारतीय अभिनेता हैं फिल्म निर्माता और टेलीविजन व्यक्तित्व हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं तीन दशकों से अधिक के करियर में खान को कई पुरस्कार मिले हैं जिनमें एक फिल्म निर्माता के रूप में दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और एक अभिनेता के रूप में एक फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल है मीडिया में उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे व्यावसायिक रूप से सफल अभिनेताओं में से एक के रूप में उद्धृत किया जाता है फोब्स ने 2015 में और 2018 में खान को दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मशहूर हस्तियों की सूची में शामिल किया है जिसके बाद के वर्ष में वह सबसे ज्यादा रैंक वाले भारतीय रहे खान ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बीबी हो तो वैसे दो में एक सहायक भूमिका के साथ की इसके बाद उन्हें सूरज बड़जात्या की रोमांस पेन मैंने प्यार किया 1989 में एक प्रमुख भूमिका के साथ सफलता की सफलता मिली उन्होंने उन्नीस के दशक में कई व्यवसायिक रूप से सफल फिल्मों के साथ खुद को स्थापित किया जिसमें बरजात्या के पारिवारिक ड्रामा हम आपके हैं कौन भी शामिल हैं उन्नीस में और हम साथ हैं उन्नीस एक्शन फिल्म करण अर्जुन उन्नीस और कॉमेडी बीबी नंबर वन उन्नीस दो हज़ार के दशक में गिरावट की अवधि के बाद खान ने 2010 के दशक में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्शन फिल्मों दबंग 2010, हज़ार दस रेडी दो हज़ार ग्यारह बॉडी गार्ड दो हज़ार ग्यारह एक था टाइगर दो हज़ार बारह दबंग टू दो हज़ार बारह किक दो हज़ार चौदह और टाइगर जिंदा है दो हज़ार सत्रह और बजरंगी भाईजान दो हज़ार पंद्रह और सुल्तान दो हजार सोलह जैसे नाटक खान दस व्यक्तिगत वर्षों में वार्षिक सर्वाधिक कमाई करने वाले हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है जो किसी भी अभिनेता के लिए सबसे अधिक है अपने अभिनय करियर के अलावा खान एक टेलीविजन होता है और अपनी चैरिटी बिंग ह्यूमन फाउंडेशन के माध्यम से मानवीय कारणों को बढ़ावा देते हैं 2018 में खान ने वर्ष की अपनी एकमात्र रिलीज रेस थ्री एक एक्शन फिल्म में प्रमुख भूमिका निभाई फिल्म में अनिल कपूर बॉबी देवल जैकलीन फर्नाडेस और अन्य कलाकार शामिल थे फिल्म की कहानी कमजोर प्रदर्शन और क्लाइमैक्स के लिए आलोचना की गई थी बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इसे औसत कमाई वाली फिल्म घोषित किया खान ने भारत में अभिनय किया जो पाँच जून दो को रिलीज हुई और दबंग जो दो दबंग थ्री जो 20 दिसंबर 2019 को रिलीज हुई भारत एक मध्य हिट थी जबकि दबंग थ्री व्यावसायिक रूप से फ्लॉप हो गई इस बीच किक टू जो कि क्रिसमस 2019 के आसपास रिलीज होने वाली थी इस उसमें देरी हो गई उन्होंने तेरह मई दो को रिलीज हुई राधे में अभिनय किया जिसे नकारात्मक समीक्षा मिली उनकी अगली फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रोथ जहां उन्होंने दूसरी मुख्य भूमिका निभाई को आलोचकों से विकसित समीक्षा मिली लेकिन खान के प्रदर्शन की काफी सराहना की गई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई इसके बाद उन्होंने टाइगर के रूप में अपनी नामांकन भूमिका को दोहराते हुए पठान में एक कैमियो किया उसी वर्ष उन्होंने फरहाद सामजी धारा निर्देशित वीरम की रीमेक किसी का भाई किसी की जान में अभिनय किया फिल्म को विकसित समीक्षा मिली और यह अभिनेता के लिए बॉक्स ऑफिस पर एक औसत फ्लॉप साबित हुई वाई हरे यूनिवर्स के हिस्से के रूप में खान ने अगली बार टाइगर थ्री दो में टाइगर के रूप में अपनी भूमिका दोहराई फिल्म ने दुनिया भर में फोर पॉइंट सिक्स बिलियन से अधिक की कमाई की है इमरान अनवर हासमी एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी सिनेमा में काम करते हैं भट्ट परिवार में जन्म में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत हॉरर फिल्म राज 2002 दो में सहायक निर्देशक के रूप में की उन्होंने अपराध फिल्म फुटपाथ 2003 से अपने अभिनय की शुरुआत की और का, का, कामुक थ्रिलर मर्डर 2004 में अपनी अभिनियत भूमिका के लिए सफलता हासिल की हाशमी ने कलायुग दो गैंगस्टर्स लव स्टोरी 2006 और आवारापन 2007 जैसी थ्रिलर फिल्मों में अभिनय किया उनकी अन्य समीक्षकों या व्यवसायिक रूप से सफल फिल्में जन्नत 2008 राज आठ राज दिस्ट्री कंस्टूज कंटिन्यूज 2009 मर्डर टू दो हजार ग्यारह द डॉटी पिक्चर दो हज़ार ग्यारह जन्न टू दो हज़ार बारह शामिल हैं शंघाई दो हज़ार बारह और राज थ्री द दा थर्ड डायमेंशन दो हज़ार बारह इसके बाद खराब प्रतिक्रिया वाली फिल्मों की एक श्रृंखला आई और एक अंतराल आया उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल एक्शन थ्रिलर द टाइगर थ्री के साथ वापसी की हाशमी का करियर तब पुनर्जीवित हुआ जब उन्होंने मनीष शर्मा की एक्शन थ्रिलर टाइगर थ्री में सलमान खान और कैटरीना कैप से के कलाकार अतीश रहमान के रूप में अभिनय किया यह फिल्म वाई आर एफ स्पाई रिवर्स का हिस्सा है रिलीज होने पर फिल्म को समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें हाशमी के प्रदर्शन की विशेष सफलता हो विशेष प्रशंसा हुई बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी उभरी जिसने दुनिया भर में चार से बासठ पॉइंट सेवन वन करोड़ की कमाई की वर्ष की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों के रूप में रैंकिंग वर्ष की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और अब तक की तेईसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म हाशमी सुजीत की एक्शन थ्रिलर ओजी के साथ तेलुगु सिनेमा में अपनी शुरुआत करेंगे जिसमें उनके कलाकार पवन कल्याण और प्रियंका अरुल मोहन होंगे टाइगर थ्री एक दो तेईस भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो वाई आर एफ यूनिवर्स में पांचवी किस्त है सलमान खान कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी अभिनीत और मनीष शर्मा धारा निर्देशित और यशराज रस फिल्म के तहत आदित्य चोपड़ा धारा निर्मित है टाइगर जिंदा है दो की अगली कड़ी यह फिल्म वार 2019 और पठान 2023 की घटनाओं पर आधारित है इसमें टाइगर और जोया एक दुष्ट आईएसआई एजेंट को रोकने के लिए निकलते हैं पाकिस्तान सरकार के खिलाफ तख्ता पलट करने के लिए उनका इस्तेमाल करता है प्रमुख फोटोग्राफी मार्च दो हज़ार इक्कीस में दिल्ली मुंबई इस्तांबुल सेंट पीटर्सबर्ग और वियना में की फिल्माया के फिल्म के फिल्मांकन के साथ शुरू हुई फिल्म का साउंड ट्रैक प्रीतम धारा रचित है जबकि बैकग्राउंड स्कोर तनुष्ट टिकू धारा रचित है तीन सौ करोड़ के अनुमानित बजट के साथ यह सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है और यश राज फिल्म द्वारा निर्मित सबसे महंगी फिल्म है टाइगर थ्री को दिवाली के अवसर पर 12 नवंबर दो को मानक आईमैक्स 4DX फोर और अन्य प्रारूप प्रीमियर प्रारूपों में रिलीज किया गया था इस आलोचकों से मिकसित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके एक्शन दृश्य संगीत और कैफ और हाशमी के प्रदर्शन की प्रशंसा हुई लेकिन इसके कथानक और गति की आलोचना हुई फिल्म ने दुनिया भर में चार छियासठ पॉइंट सिक्स थ्री करोड़ की कमाई की जो 2023 की पाँचवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और 2023 की आठवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई टाइगर थ्री को शुरू में ईद के अवसर पर 21 अप्रैल 2023 को रिलीज़ किया जाना था फिर इसे 12 नवंबर 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया और नौ दिवासी दिवाली के अवसर पर तमिल और तेलुगु में डब संस्करणों के साथ हिंदी में दुनिया भर में आठ स्क्रीनों पर रिलीज किया गया इस्लामिक देशों में के नकारात्मक चरित्र चित्रण के कारण फिल्म को ओमान कुवैत और कतर में प्रतिबंधित कर दिया गया था फिल्म का प्रीमियर सात जनवरी 2024 से एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर किया गया था 15 दिसंबर 2023 तक टाइगर ने भारत में तीन करोड़ से अधिक और विदेशों बाज़ारों में एक करोड़ से अधिक की कमाई की दुनिया भर में कुल मिलाकर 466.63 करोड़ से अधिक की कमाई हुई इस फिल्म ने दिवाली पर किसी हिंदी भाषा की फिल्म के लिए सबसे अधिक ओपनिंग डे पर चौरानवे करोड़ की कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया जिसमें उत्तरी अमेरिका में भुगतान किए गए पूर्वालोकन से 7.76 करोड़ शामिल थे फिल्म के हिंदी संस्करण ने भारत में रिकॉर्ड तोड़ तैतालीस करोड़ की कमाई की इसके डब तमिल और तेलुगु संस्करण से अतिरिक्त 1.50 करोड़ कमाए, कुल मिलाकर 44.50 करोड़ यह खान और कैप दोनों के लिए सबसे बड़ा वैश्विक शुरुआती सप्ताह था समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रूटीन टोमैटोज पर 21 आलोचकों में से सत्तावन परसेंट समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग दस में से सिक्स है टाइगर थ्री को रिलीज होने पर आलोचकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें इसके एक्शन दृश्य संगीत स्कोर तकनीकी पहलुओं और कलाकारों के प्रदर्शन विशेषकर कैफ और हाशमी के लिए प्रशंसा हुई लेकिन इसके कथानक और गति के लिए आलोचना हुई बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को पांच में से चार स्टार दिए और लिखा टाइगर थ्री सबसे बड़ा धमाका है जिसकी आप इस दिवाली उम्मीद कर सकते हैं ने दूसरे भाग और खान कैफ और हाशमी के प्रदर्शन की प्रशंसा की और शाहरुख खान के कैमियों की सराहना की पिंक विला के हिमेश पाकड़ ने फिल्म को पाँच में से थ्री फाइव स्टार दिया और लिखा टाइगर थ्री में खान कैफ और हाशमी के सशक्त प्रदर्शन के साथ जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस है जबकि कुछ स्थानों पर गति एक मुद्दा है मुख्य कथानक का में काफ़ी कुछ है बड़े पर्दे पर आपको बांधे रखने के लिए एक भावनात्मक जुड़ाव यह फिल्म एक एक्शन से भरपूर मनोरंजक किया फिल्म है जिसमें खान की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने के लिए सभी सामग्रियाँ हैं न्यूज एटीन के सुनील देदिया ने फिल्म को पाँच में से थ्री फाइव स्टार दिया और लिखा टाइगर 3 में खान और कैफ के साथ कुछ उत्कृष्ट एक्शन दृश्य हैं खास में एक खलनायक के रूप में अपनी भूमिकाएँ भूमिका के साथ न्याय करते हैं टाइगर थ्री में कई प्यार प्यारे योग्य क्षण हैं जिसमें शामिल है कैमियो जिसे हर कोई जानता है खान प्रशंसकों को इस दिवाली एक सौगात मिलने वाली है फर्स्ट पोस्ट के विनम्र माथुर ने पांच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए और लिखा खान और कैप पूरे जोश के साथ टाइगर थ्री के एक्शन के लिए खुद को प्रस्तुत करते हैं फिल्म स्टाइलिश चिकनी दिखती है लेकिन थोड़ी लंबी है केवल अगर इसमें अधिक रोमांच और तनाव हो और कम बात करना टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कुटेजा ने फिल्म को पाँच में से तीन स्टार दिए और लिखा टाइगर थ्री बड़े पैमाने पर मनोरंजन के लिए पर्याप्त बारूद के साथ फ्रेंचाइजी के लिए एक अच्छा अतिरिक्त है इंडिया टुडे के जीनिया बंदोपाध्याय ने पाँच में से तीन स्टार दिए और लिखा एक भीड़ वाले जासूसी ब्रह्मांड के बावजूद टाइगर थ्री अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब है खान प्रशंसक निराश नहीं होंगे लेकिन कोई कैफ को जोया सीरीज का नाम दे एन के शैब चटर्जी ने फिल्म को पाँच में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिया और लिखा एक या दो सितारों की उपस्थिति के बिना सभी तकनीकी रज्जा रज्जा मातु शून्य हो जाते हैं जो चमक जोड़ सकते हैं भले ही सतही प्रकार की अभ्यास में द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को पाँच में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिए और लिखा खान अपनी उम्र के लिए लग रहे हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि यह इसे छिपा नहीं रहे हैं और निश्चित रूप से फिल्म का सबसे अच्छा हिस्सा वह है जब पठान उर्फ शाहरुख खान अपने बालों के साथ सेक्सीमैन वन और स्मार्ट वन लाइनर शूट करते हुए क्षितिज में उड़ते हुए आते हैं रेडिफ की सुकन्या वर्मा ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा बहुत बुरा हुआ कि एक समय या पर्यावरण के अनुकूल था टाइगर ने अपनी दिवाली मीठा के साथ मनाना चुनाना की पटाखा के साथ हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल को क्रेजा ने इसकी गति को असंगत कहा और लिखा टाइगर 3 विशाल मसाला और अवश्य देखी जाने वाली है इसलिए नहीं कि यह एक उत्कृष्ट कृति है बल्कि इसलिए क्योंकि हर रोज नहीं होता है कि आप दो सुपरस्टारों को स्क्रीन स्पेस साझा करते हुए देखें भले ही वह कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो थोड़ी देर निर्देशक के रूप में शर्मा ने सभी तत्वों को इस तरह से पैक किया है कि यह एक दिलचस्प घड़ी बन जाए जबकि कहानी और व्यापक कथानक का काफी जटिल और जटिल है जिसमें हर कुछ मिनटों में एक नया मोड और मोड आने का इंतजार रहता है लेकिन जो समस्या बनी रहती है वह है असंगत गति द क्वीट के प्रत्यक्ष मिश्रा ने लिखा टाइगर थ्री उन फिल्मों में से एक है जिन्हें शुद्ध एक्शन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी टाइगर और जोया के बीच की प्रेम कहानी टाइगर फ्रेंचाइजी का मुख्य आकर्षण है इसके बजाय टाइगर थ्री एक पर केंद्रित है एक उद्धतकर्ता परिसर और प्रदर्शनी का मदन मदक मिश्रण है रोस्टर में नए शामिल होने और पुराने परिचित चेहरों के मिश्रण में लौटने के बावजूद टाइगर थ्री में कहानी को बनाने के लिए आवश्यक रोमांच और चुटचपा चुट चुट नहीं है दोस्तों बात करें फिल्म की कथानक के बारे में तो उन्नीस में एक किशोरी जोया अपने पिता आईएसआई एजेंट रेहान नजर को एक बम विस्फोट में मरते हुए देखती है उसके अंतिम संस्कार संस्कार के बाद नजर का विषय आतिश रहमान उससे मिलने जाता है जो उसे आई आई में शामिल होने के लिए मना लेता है वर्तमान में अविनाश टाइगर सिंह राठौर को नए र प्रमुख मैथिली मेनन धारा टाइगर के पूर्व हैडलर गोपी आर्य को बचाने के लिए एक मिशन के लिए बुलाया जाता है जिसे पाकिस्तान में योजना बनाए जा रहे हैं एक मिशन के बारे में तालिबान से जानकारी निकालने के लिए की कोशिश के बाद अफगानिस्तान में पकड़ लिया गया था अपने बचाव के बात गोपी ने टाइगर को बताया कि जोया नियोजित मिशन में शामिल है और उसकी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई टाइगर जोया की जासूसी करना शुरू कर देता है और बाद में उसे रूस के सेंट पी, पीटर्सबर्ग में जिब्रान शेख नामक एक रॉ एजेंट की सुरक्षा का काम सौंपा जाता है जो गोपी के साथ काम करता था और पाकिस्तान में पाए जाने के बाद देश से भाग जा गया था टाइगर ने जोया धारा शेख की हत्या के प्रयास को देखा उसे बचाने का के बाद टाइगर को आतीश ने पकड़ लिया जिसने खुलासा किया कि उसने जोया को लगभग नशीला पदार्थ खिलाकर और टाइगर के बेटे जूनियर का अपहरण करके शेख की हत्या करने के लिए मजबूर किया था बारह साल पहले है कि फ्लैशबैक में यह पता चलता है कि आतिश ने भारतीय सेना के जनरल की हत्या करके वियना में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति संधि को पटरी से उतारने की कोशिश की थी योजना में सहयोग करने से इनकार करने के बाद जोया गुप्ता रूप से गुप्त रूप से टाइगर को सूचित करती है आतिश की गर्भवती पत्नी शाहीन बेग ने खुद हत्या का प्रयास किया लेकिन टाइगर ने उसे गोली मार दी आतिश ने इस बात से इनकार किया कि उसके एजेंटों को योजना के बारे में पता था और बाद में उसे जेल में डाल दिया गया और आईएसआई से बाहर कर दिया गया टाइगर और जोया जूनियर के बदले में इस्तांबुल में मिसाइल लॉन्च कोड वाले आतिश के लिए एक विफकेश चुराने के लिए राह एजेंटो राकेश कारण और, और करण और निखिल की पत्नी टीम की भर्ती करते हैं इसके बाद आतिश ने टाइगर और जोया को उनके संबंधित देशों द्वारा देशद्रोही के रूप में दोषी ठहराया जिसके कारण टाइगर को उत्तरी पाकिस्तान की एक सेना जेल में बंद कर दिया गया टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है लेकिन वह पठान की मदद से भागने में सफल हो जाता है इसके बाद वह इस्लामाबाद की यात्रा करता है जहां वह अपने दत्तक पुत्र हसन से मिलता है जिसे टाइगर ने स्क्रिया में स्क्रीट में एक मिशन में बचाना बचाया था टाइगर की टीम जोया और आईएसआई एजेंट अबरार और जावेद इस्लामाबाद लौटते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि आतिश और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल इम्तियाज हक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या करने की योजना बना रहे हैं ताकि अतीश उनकी जगह ले सके टाइगर जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से पाकिस्तान के पीएमओ में प्रवेश करती है और ईरानी को योजना बताती है टाइगर और जोया ईरानी को एक भूमि भूमिगत बंकर में ले जाते हैं और टाइगर हक को सार्वजनिक रूप से योजना का खुलासा करने के लिए मजबूर करते हैं हालांकि आतिश ने जावेद की मदद से हक को गुप्त रूप से मार डाला जो हाशी शाहीन का भाई बताया गया और टाइगर को हक की हत्या के लिए फंसाया अबरार और करण को आतिश और जावेद ने मार डाला जो ईरानी का पता लगाने लगाते हैं हर्षन ने खुद को बलिदान कर दिया जिससे टाइगर और जोया को ईरानी को भगाने में मदद करने का मौका मिला जोया ने जावेद की हत्या करने के अबरार और करण की मौत का बदला लिया टाइगर और आतिश के बीच लड़ाई हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप टाइगर आतिश को मार देता है ईरानी ने आतिश की साजिश को जनता के सामने उजागर कर दिया और टाइगर जोया और उनकी टीम निर्दोष साबित हुई टाइगर मेनन से संपर्क करता है और उसे आश्वासन देता है कि वह हमेशा अपने देश की सेवा के लिए मौजूद रहेगा मेड क्रेडिट दृश्य में कर्नल सुनील लूथरा कबीर धालीवाल से संपर्क करते हैं और उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या करने का काम सौंपते हैं अविनाश टाइगर सिंह राठौर एक राव एजेंट और जोया के पति के रूप में सलमान खान जोया के रूप में कैटरीना कैफ इमरान हाशमी आतीश रामान के रूप में रेवती राव की प्रमुख मैथिली मेनन के रूप में सिमरन पाकिस्तान की प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी के रूप में शाहीन बेग आतीश की पत्नी और जावेद की बहन के रूप में रिद्धि डोगरा हसन अली के रूप में विशाल जेठवा राकेश प्रसाद चौरसिया के रूप में कुमुद मिश्रा टाइगर के पूर्व हैडलर गोपी आर्य के रूप में रणवीर सौरी जोया के पिता रेहान नजर के रूप में आमिर बशीर गेवी चहल मेसर अबरार के रूप में करण राव के रूप में अनंत विधा शर्मा शाहीन के भाई कैप्टन जावेद बेग के रूप में दानिश भट्टे, सरताज कक्कड़ जूनियर टाइगर के और जोया के बेटे के रूप में, निखिल के रूप में चंद्रचूड़ राय जनरल इस्तिमाक हक सेना प्रमुख के रूप में, शाहिद लतीफ डॉक्टर हाफमैन के रूप में, एडवर्स सोनेल नलबीन, जिब्रान शेख के रूप में, नीरज पुरोहित, दानिश हुसैन, आईएसएस के महानिदेशक जनरल डीजी रियाज के रूप में जनरल जिमो के रूप में मिशेल ली अनिल कुरुव्ला भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में डेंजिल स्मिथ भारतीय रक्षा मंत्री के रूप में विमल ओबरॉ जनरल रिबेल थल के रूप में गुरकीत कौर युवा जोया के रूप में रमीज के रूप में संदीप कुलकर्णी शकील पाकिस्तानी प्रिजन गार्ड के रूप में वरिंदर सिंह गुमन, पठान के रूप में शाहरुख खान विशेष उपस्थिति में कर्नल सुनील लूथरा के रूप में आशुतोष राणा कैमियो उपस्थिति मेजर कवि कबीर शी धालीवार के रूप में ऋतिक रिति, रोशन कैमियो उपस्थिति 2020 की शुरुआत में यह बताया गया कि टाइगर जिंदा है 2017 का सीक्वल विकास में था जिसमें सलमान खान और कैटरीना कैप अपनी भूमिकाओं को दोहरा रहे थे 2020 के अंत में मनीष शर्मा को मनीष शर्मा को अली अब्बास जफर की जगह लेते हुए फिल्म का निर्देशन करने के लिए चुना गया जिन्होंने पिछली किस्त का निर्देशन किया था 4 मार्च 2022 को यशराज फिल्म्स द्वारा इस परियोजना की घोषणा की गई थी शानू शर्मा फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर थी फरवरी 2021 में सलमान खान और कैटरीना कैफ के टाइगर और जोया के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराने की पुष्टि की गई जिसमें इमरान हाशमी को खलनायक के रूप में लिया गया अनुपस्थित रहने के बाद रणवीर और शोरी को फ्रेंचाइजी में लौटने की घोषणा की गई टा, टाइगर जिंदा है में विशाल जेठवा अक्टूबर 2021 में कलाकारों में शामिल हुए जबकि रेवती और रिद्धि डोगरा को एक महीने बाद चुना गया शाहरुख खान और ऋतिक रोशन ने कैमियो भूमिका में क्रमोश पठान और मेजर कबीर धालीवाल के रूप में अपनी भूमिकाएँ दोहराई मुख्य फोटोग्राफी मार्च दो के तीसरे सप्ताह में दिल्ली और मुंबई में शुरू हुई 26 फरवरी दो को मुंबई के आ, वाई आर एफ स्टूडियो में एक पारंपरिक पूजा आयोजित की गई थी इसके बाद फिल्मांकन तुर्की में हुआ जिसमें कंपाडोशिया अंतालिया और इस्तांबुल शामिल थे जबकि जबकि अगस्त 2021 में सेट पीट्सबर्ग में एक पीटरबर्ग में एक कार का पीछा करने का दृश्य फिल्माया गया था अतिरिक्त दृश्य ऑस्ट्रिया में फिल्माए गए थे और अल्टोरसिया में सितंबर 2021 में भारत में फिल्मांकन फरवरी 2020 तक नई दिल्ली में फिर से शुरू हुआ और आगे के एक्शन दृश्यों को अप्रैल 2023 में मुंबई में फिल्माया गया शाहरुख खान का कैमियो था आइलैंड में 10 दिनों के शेड्यूल के भीतर फिल्माया गया जहां एक एक्शन सीक्वेंस के लिए एक बड़े सेट का निर्माण किया गया था ऋतिक रोशन का कैमियो वार्ड टू के निर्देशक अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित किया गया था फिल्मांकन मई दो में संपर्क हुआ संपन्न हुआ फिल्म का साउंड ट्रैक प्रीतम धारा संगीतबद्ध किया गया था जबकि इर्शाद कामिल और अमिताभ भट्टाचार्य ने गीत लिखे थे बैकग्राउंड स्कोर तनुज टीकू धारा तैयार किया गया था पहला एकल शीर्षक लेके प्रभु का नाम तेईस अक्टूबर दो हज़ार तेईस को जारी किया गया था दूसरा एकल शीर्षक रुआ छः नवंबर दो हज़ार तेईस को जारी किया गया था टाइगर का मैसेज नामक एक टीजर 27 सितंबर 2023 को जारी किया गया था आधिकारिक ट्रेलर 16 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था कैटरीना कैफ एक ब्रिटिश अभिनेत्री हैं जो हिंदी भाषा की फिल्मों में काम करती है भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक उन्हें तीन फिल्मफेयर नामांकन के अलावा चार स्क्रीन पुरस्कार और चार जी ने पुरस्कार सहित प्रशंसा मिली है हालांकि उनके अभिनय का स्वागत अलग अलग है फिर भी उन्हें उनकी एक्शन फिल्म भूमिकाओं और विभिन्न सफल आइटम नंबरों में उनकी नृत्य क्षमता के लिए जाना जाता है हंगकांग में जन्म कैब तीन साल के लिए लंदन जाने से पहले कई देशों में रही उन्हें किशोरावस्था में अपना पहला मॉडलिंग असाइनमेंट मिला और बाद में उन्होंने एक फैशन मॉडल के रूप में अपना करियर बनाया लंदन में एक फैशन शो में भारतीय फिल्म निर्माता कैजाद गुस्ताद ने उन्हें बूम 2003 में कास्ट किया जो एक महत्वपूर्ण और व्यवसायिक विफलता थी जबकि कैप ने भारत में एक सफल मॉडलिंग करियर स्थापित किया लेकिन हिंदी पर उनकी खराब के पकड़ के कारण शुरू में उन्हें फिल्म भूमिकाएं ढूंढने में कठिनाई हुई तेलुगु फिल्म मल्लेश्वरी 2004 में दिखाई देने के बाद कैफ ने रोमांटिक कॉमेडी मैंने प्यार क्यों किया से बॉलीवुड में व्यावसायिक सफलता अर्जित की 2005 और नमस्ते लंदन 2007 बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्मों की एक श्रृंखला के साथ आगे सफलता मिली लेकिन उनके अभिनय दोहराव वाली भूमिकाओं और पुरुष प्रधान फिल्मों के प्रति झुकाव के लिए उनकी आलोचना की गई थ्रिलर न्यूयॉर्क 2009 और रोमांटिक कॉमेडी मेरे ब्रदर कि दुल्हन 2021 में कैफ के प्रदर्शन को बेहतर सराहना मिली जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला इस अवधि के दौरान उन्होंने अजब प्रेम की गजब कहानी 2009 राजनीति 2010 और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2011 दो में अभिनय किया और एक्शन थ्रिलर एक था टाइगर दो धूम थ्री दो में उन्हें बड़ी व्यावसायिक सफलता मिली और बैंग बैंग दो ये सभी फिल्मों सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से, से शुमार है तब से व्यावसायिक सफलता विधिक रही है एक्शन फिल्में टाइगर जिंदा है 2017, हज़ार सत्रह सूर्यवंशी दो, दो और टाइगर थ्री 2023 और ड्रामा भारत 2019 बॉक्स ऑफिस पर हिट बनकर उभरी रोमांटिक ड्रामा जीरो 2018 में कैफ की एक शराबी अभिनेत्री की भूमिका ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का जी से पुरस्कार दिलाया मीडिया में कैफ अक्सर भारत की सबसे लोकप्रिय और आकर्षक हस्तियों की सूची में शामिल होते हैं एक नियमित ब्रांड एंडोर्सर, उन्होंने 2019 में अपनी कॉस्मेटिक लाइन के ब्यूटी लॉन्च की व स्टेज शो में भाग लेती है और अपनी मां की चैरिटी रिलीफ प्रोजेक्ट्स इंडिया से जुड़ी है जो वंचित बच्चों की मदद के लिए काम करती है कैफ ने अभिनेत अभिनेता विक्की कौशल से शादी की है 2019 में कैफ ने एक बार फिर से सलमान खान और अली अब्बास जफर के साथ नाटक भारत में सहयोग किया जो दक्षिण कोरियाई फिल्म ओड टू मार वो टू माय फादर दो चौदह का रूपांतरण था कैफ ने एक इंजीनियर की भूमिका में प्रियंका चोपड़ा की जगह ली जिसे खान के चरित्र से प्यार हो जाता है कैफ ने मीडिया के उन अटकटों को खारिज कर दिया कि उन्होंने यह भूमिका अपने दोस्त खान के पक्ष में स्वीकार किया है और स्क्रिप्ट की सराहना का हवाला दिया भारत दो की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई जबकि फिल्म की समीक्षाएँ अलग अलग थी गर्जियन में माइक मैकोहिल ने कैफ और खान के बीच अच्छी केमिस्ट्री को नोट किया और सोच की सोचा कि उनके नजरिए में ईमानदारी ने दर्शकों को उनके चरित्र के संदिग्ध विकल्पों को नजरअंदाज करने में मदद की कैफ की 2020 की एकमात्र फिल्म अक्षय कुमार के साथ रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी होती है लेकिन भारत में कोविड 19 महामारी के कारण नवंबर 2021 में इसकी अंतिम रिलीज तक कई देरी हुई शेट्टी की लार्जर देन लाइफ निर्देशन शैली के प्रशंसक कैफ ने कुमार के किरदार की पत्नी की भूमिका निभाई सूर्यवंशी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और कुछ समय के लिए भारत की साल की भारत की साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई कैफ ने अगली बार कॉमेडी हॉरर फिल्म फोन भूत दो में सिद्धार्थ चतुर्वेदी और ईशान खट्टर के साथ एक भूत की भूमिका निभाई द इंडियन एक्सप्रेस और द वीक के समीक्षक उनकी कॉमेडी टाइमिंग से प्रभावित नहीं थे वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स के हिस्से के रूप में कैफ ने अगली बार टाइगर थ्री 2023 में जोया के रूप में अपनी भूमिकाएं दोहराई उन्होंने फिल्म में अपने स्टारर करने के लिए दो महीने के शारीरिक प्रतिक्षण को अपने करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण माना आलोचक रोजर एबॉट की वेबसाइट में एक समीक्षक ने लिखा है कि कैफ को कुछ दृश्य चुराने के को मिलते हैं विशेष रूप से स्नात स्नानगर में एक युद्ध दृश्य जबकि वह अपने कलाकार सलमान खान की तुलना में बंदूक के साथ एक बेहतर आकर्षण बनाए रखती है टाइगर थ्री को कैफ के करियर का सबसे बड़ा शुरुआती सप्ताह हाथ मिला और इसने दुनिया भर में 4.6 बिलियन से अधिक की कमाई की वह श्रीराम राघवन की द्विभाषी थ्रिलर मेरी क्रिसमस में विजय सेतुपति के साथ अभिनय करेंगी अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान एक भारतीय अभिनेता हैं फिल्म निर्माता और टेलीविजन व्यक्तित्व हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं तीन दशकों से अधिक के करियर में खान को कई पुरस्कार मिले हैं जिनमें एक फिल्म निर्माता के रूप में दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और एक अभिनेता के रूप में एक फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल है मीडिया में उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे व्यावसायिक रूप से सफल अभिनेताओं में से एक के रूप में उद्धृत किया जाता है फोर्ब्स 2015 में और 2018 में खान को दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मशहूर हस्तियों की सूची में शामिल किया है जिसके बाद के वर्ष में वह सबसे ज्यादा रैंक वाले भारतीय रहे खान ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बीवी हो तो ऐसी दो 1988 में एक सहायक भूमिका के साथ की इसके बाद उन्हें सूरज बड़जात्या की रोमांस मैंने प्यार किया 1989 में एक प्रमुख भूमिका के साथ सफलता की सफलता मिली उन्होंने उन्नीस सौ नब्बे के दशक में कई व्यवसायिक रूप से सफल फिल्मों के साथ खुद को स्थापित किया जिसमें बरजात्या की पारिवारिक ड्रामा हम आपके हैं कौन भी शामिल है उन्नीस सौ में और हम साथ साथ हैं उन्नीस सौ निन्यानवे एक्शन फिल्म करण अर्जुन उन्नीस सौ पंचानवे और कॉमेडी बीबी नंबर वन उन्नीस सौ निन्यानवे दो हजार के दशक में गिरावट की अवधि के बाद खान ने 2010 के दशक में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्शन फिल्मों दबंग 2010 हज़ार दस रेडी दो बॉडी बॉडीगार्ड 2012 एक था टाइगर 2012 दबंग 2 2012 किक 2014 और टाइगर जिंदा है 2017 और बजरंगी भाईजान 2015 और सुल्तान 2016 जैसे नाटक खान 10 व्यक्तिगत वर्षों में वार्षिक सर्वाधिक के कमाई करने वाले हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है जो किसी भी अभिनेता के लिए सबसे अधिक है अपने अभिनय करियर के अलावा खान एक टेलीविजन प्रस्तुत है और अपनी चैरिटी बिंग ह्यूमन फाउंडेशन के माध्यम से मानवीय कारणों को बढ़ावा देते हैं 2018 में खान ने वर्ष की अपनी एकमात्र रिलीज रेस थ्री एक एक्शन फिल्म में प्रमुख भूमिका निभाई फिल्म में अनिल कपूर बॉबी देवल जैकलीन फर्नांडेज और अन्य कलाकार शामिल थे फिल्म की कहानी कमजोर प्रदर्शन और क्लाइमैक्स के लिए आलोचना की गई थी बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इसे औसत कमाई वाली फिल्म घोषित किया खान ने भारत में अभिनय किया जो पाँच जून दो को रिलीज हुई और दबंग जो दो दबंग थ्री जो 20 दिसंबर 2019 को रिलीज हुई भारत एक मध्य हिट थी जबकि दबंग थ्री व्यावसायिक रूप से फ्लॉप हो गए इस बीच किक टू जो कि क्रिसमस 2019 के आसपास रिलीज होने वाली थी इस उसमें देरी हो गई उन्होंने तेरह मई दो को रिलीज हुई राधे में अभिनय किया जिसे नकारात्मक समीक्षा मिली उनकी अगली फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रोत जहां उन्होंने दूसरी मुख्य भूमिका निभाई को आलोचकों से विकसित समीक्षा मिली लेकिन खान के प्रदर्शन की काफ़ी सराहना की गई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई इसके बाद उन्होंने टाइगर के रूप में अपनी नामांकन भूमिका को दोहराते हुए पठान में एक कैमियो किया उसी वर्ष उन्होंने फरहाद सामजी धारा निर्देशित वीरम की रीमेक किसी का भाई किसी की जान में अभिनय किया फिल्म को मिकसित समीक्षा मिली और यह अभिनेता के लिए बॉक्स ऑफिस पर एक औसत फ्लॉप साबित हुई वाई हरे यूनिवर्स के हिस्से के रूप में खान ने अगली बार टाइगर थ्री दो हज़ार तेईस में टाइगर के रूप में अपने भूमिका दोहराई फिल्म ने दुनिया भर में फोर पॉइंट से अधिक की कमाई की है इमरान अनवर एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी सिनेमा में काम करते हैं भट्ट परिवार में जन्म उन्होंने अपने करियर की शुरुआत हॉरर फिल्म राज 2002 दो में सहायक निर्देशक के रूप में की उन्होंने अपराध फिल्म फुटपाथ दो हजार से अपने अभिनय की शुरुआत की और का, का, कामुक थ्रिलर मर्डर 2004 में अपनी अभिनियत भूमिका के लिए सफलता हासिल की हाशमी ने कलायुग दो गैंगस्टर्स लव स्टोरी 2006 और आवारापन 2007 हज़ार सात जैसी थ्रिलर फिल्मों में अभिनय किया उनकी अन्य समीक्षकों या व्यवसायिक रूप से सफल फिल्में जन्नत 2008 राज द मिस्ट्री, मिस्ट्री कस्ट्यूज कंटिन्यूज दो हज़ार नौ मार्डर टू दो हज़ार ग्यारह द डॉटी पिक्चर दो हज़ार ग्यारह जन्ना टू दो हज़ार बारह शामिल है शंघाई दो हज़ार बारह और राज थ्री द थर्ड डायमेंशन दो हज़ार बारह इसके बाद खराब प्रतिक्रिया वाली फिल्मों की एक श्रृंखला आई और एक अंतराल आया उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल एक्शन थ्रिलर द टाइगर थ्री के साथ वापसी की हाशमी का करियर तब पुनर्जीवित हुआ जब उन्होंने मनीष शर्मा की एक्शन थ्रिलर टाइगर थ्री में सलमान खान और कैटरीना कैप से के कलाकार आतीश रहमान के रूप में अभिनय किया यह फिल्म वाई आर एफ स्पाई रिवर्स का हिस्सा है रिलीज होने पर फिल्म को समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें हाशमी के प्रदर्शन की विशेष सफलता हो विशेष प्रशंसा हुई बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता दुनिया भर में चार से बासठ पॉइंट सेवन वन करोड़ की कमाई की वर्ष की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों के रूप में रैंकिंग वर्ष की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और अब तक की तेईसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म हाशमी सुजीत की एक्शन थ्रिलर ओजी के साथ तेलुगु सिनेमा में अपनी शुरुआत करेंगे जिसमें उनके कलाकार पवन कल्याण और प्रियंका अरुल मोहन होंगे टाइगर थ्री एक दो हजार भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो वाई आर एफ यूनिवर्स में पांचवी किस्त है सलमान खान कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी अभिनीत और मनीष शर्मा धारा निर्देशित और यशराज रस फिल्म के तहत आदित्य चोपड़ा धारा निर्मित है टाइगर जिंदा है दो की अगली कड़ी यह फिल्म वार 2019 और पठान 2023 की घटनाओं पर आधारित है इसमें टाइगर और जोया एक दुष्ट आईएसआई एजेंट को रोकने के लिए निकलते हैं पाकिस्तान सरकार के खिलाफ तख्तापलट पलट करने के लिए उनका इस्तेमाल करता है प्रमुख फोटोग्राफी मार्च दो हज़ार इक्कीस में दिल्ली मुंबई इस्तांबुल सेंट पीटर्सबर्ग और वियना में की फिल्माया के, फिल्म के, फिल्मांकन के साथ शुरू हुई फिल्म का साउंड ट्रैक प्रीतम धारा रचित है जबकि बैकग्राउंड स्कोर तनुष्ट टीकू धारा रचित है तीन सौ करोड़ के अनुमानित बजट के साथ यह सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है और यश राज फिल्म द्वारा निर्मित सबसे महंगी फिल्म है टाइगर थ्री को दिवाली के अवसर पर 12 नवंबर दो को मानक आईमैक्स मैक्स फोर और अन्य प्रारूप प्रीमियर प्रारूपों में रिलीज किया गया था इस आलोचकों से मिकसित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके एक्शन दृश्य संगीत और कैफ और हाशमी के प्रदर्शन की प्रशंसा हुई लेकिन इसके कथानक और गति की आलोचना हुई फिल्म ने दुनिया भर में चार छियासठ पॉइंट सिक्स थ्री करोड़ की कमाई की जो 2023 की पाँचवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और 2023 की आठवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई टाइगर थ्री को शुरू में ईद के अवसर पर 21 अप्रैल 2023 को रिलीज़ किया जाना था फिर इसे 12 नवंबर 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया और नौ दिवासी दिवाली के अवसर पर तमिल और तेलुगु में डब संस्करणों के साथ हिंदी में दुनिया भर में आठ से नौ पर रिलीज किया गया इस्लामिक देशों में के नकारात्मक चरित्र चित्रण के कारण फिल्म को ओमान कुवैत और कतर में प्रतिबंधित कर दिया गया था फिल्म का प्रीमियर सात जनवरी 2024 से एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर किया गया था 15 दिसंबर 2023 तक टाइगर ने भारत में तीन करोड़ से अधिक और विदेशों बाजारों में एक करोड़ से अधिक की कमाई की दुनिया भर में कुल मिलाकर 466.63 करोड़ से अधिक की कमाई हुई इस फिल्म ने दिवाली पर किसी हिंदी भाषा की फिल्म के लिए सबसे अधिक ओपनिंग डे पर चौरानवे करोड़ की कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया जिसमें उत्तरी अमेरिका में भुगतान किए गए पूर्वालोकन से 7.76 करोड़ शामिल थे फिल्म के हिंदी संस्करण ने भारत में रिकॉर्ड तोड़ तैतालीस करोड़ की कमाई की इसके डब तमिल और तेलुगु संस्करण से अतिरिक्त 1.50 करोड़ कमाए, कुल मिलाकर 44.50 करोड़ यह खान और कैप दोनों के लिए सबसे बड़ा वैश्विक शुरुआती सप्ताह था समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रूटीन टोमैटोज पर इक्कीस आलोचकों में से सत्तावन परसेंट समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग दस में से सिक्स है टाइगर थ्री को रिलीज होने पर आलोचकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें इसके एक्शन दृश्य संगीत स्कोर तकनीकी पहलुओं और कलाकारों के प्रदर्शन विशेषकर कैफ और हाशमी के लिए प्रशंसा हुई लेकिन इसकी कथानक और गति के लिए आलोचना हुई बॉलीवुड हंगामा के तरुण आदर्श ने फिल्म को पाँच में से चार स्टार दिया और लिखा टाइगर थ्री सबसे बड़ा धमाका है जिसकी आप इस दिवाली उम्मीद कर सकते हैं ने दूसरे भाग और खान कैफ और हाशमी के प्रदर्शन की प्रशंसा की और शाहरुख खान के कैमियों की सराहना की पिंक विला के हिमेश पाकड पाकड़ ने फिल्म को पाँच में से थ्री फाइव स्टार दिया और लिखा टाइगर थ्री में खान कैफ और हाशमी के सशक्त प्रदर्शन के साथ जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस है जबकि कुछ स्थानों पर गति एक मुद्दा है मुख्य कथानक का में काफ़ी कुछ है बड़े पर्दे पर आपको बांधे रखने के लिए एक भावनात्मक जुड़ाव यह फिल्म एक एक्शन से भरपूर मनोरंजक किया फिल्म है जिसमें खान की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने के लिए सभी सामग्रियाँ हैं न्यूज 18 के सुनील देदिया ने फिल्म को पाँच में से तिरपन फाइव स्टार दिया और लिखा टाइगर थ्री में खान और कैफ के साथ कुछ उत्कृष्ट एक्शन दृश्य हैं खास एक खलनायक के रूप में अपनी भूमिकाएँ भूमिका के साथ न्याय करते हैं टाइगर थ्री में कई प्यार प्यारे योग्य क्षण हैं जिसमें शामिल है कैमियो जिसे हर कोई जानता है खान प्रशंसकों को इस दिवाली एक सौगात मिलने वाली है फर्स्ट पोस्ट के विनम्र माथुर ने पांच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए और लिखा खान और कैफ पूरे जोश के साथ टाइगर थ्री के एक्शन के लिए खुद को प्रस्तुत करते हैं फिल्म स्टाइलिश चिकनी दिखती है लेकिन थोड़ी लंबी है केवल अगर इसमें अधिक रोमांच और तनाव हो और कम बात करना टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कुटेजा ने फिल्म को पाँच में से तीन स्टार दिए और लिखा टाइगर थ्री बड़े पैमाने पर मनोरंजन के लिए पर्याप्त बारूद के साथ फ्रेंचाइजी के लिए एक अच्छा अतिरिक्त है इंडिया टुडे के जीनिया बंदोपाध्याय ने पाँच में से तीन स्टार दिए और लिखा एक भीड़ वाले जासूसी ब्रह्मांड के बावजूद टाइगर थ्री अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब है खान प्रशंसक निराश नहीं होंगे लेकिन कोई कैफ को जोया सीरीज का नाम दें एन के शैब चटर्जी ने फिल्म को पाँच में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिया और लिखा एक या दो सितारों की उपस्थिति के बिना सभी तकनीकी रज्जा मात्र रज्जा मातु शून्य हो जाते हैं जो चमक जोड़ सकते हैं भले ही सतही प्रकार की अभ्यास में द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्र गुप्ता ने फिल्म को पाँच में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिए और लिखा खान अपनी उम्र के लिए लग रहे हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि यह इसे छिपा नहीं रहे हैं और निश्चित रूप से फिल्म का सबसे अच्छा हिस्सा वह है जब पठान उर्फ शाहरुख खान अपने बालों के साथ मैन बन और स्मार्ट वन लाइनर शूट करते हुए में उड़ते हुए आते हैं। की वर्मा ने पांच में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिए और लिखा बहुत बुरा हुआ कि एक समय पर्यावरण के अनुकूल था टाइगर ने अपनी दिवाली मीठा के साथ मनाना चुनाना की पटाखा के साथ हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल को क्रेजा ने इसकी गति को असंगत कहा और लिखा टाइगर थ्री विशाल मशाला और अवश्य देखी जाने वाली है इसलिए नहीं कि यह एक उत्कृष्ट कृति है बल्कि इसलिए क्योंकि हर रोज नहीं होता है कि आप दो सुपरस्टारों को स्क्रीन स्पेस इस साझा करते हुए देखें भले ही वह कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो थोड़ी देर निर्देशक के रूप में शर्मा ने सभी तत्वों को इस तरह से पैक किया है कि यह एक दिलचस्प घड़ी बन जाए जबकि कहानी और व्यापक कथानक का काफी जटिल और जटिल है जिसमें हर कुछ मिनटों में एक नया मोड और मोड आने का इंतजार रहता है लेकिन जो समस्या बनी रहती है वह है असंगत गति द क्वीट के प्रत्यक्ष मिश्रा ने लिखा टाइगर थ्री उन फिल्मों में से एक है जिन्हें शुद्ध एक्शन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी टाइगर और जोया के बीच की प्रेम कहानी टाइगर फ्रेंचाइजी का मुख्य आकर्षण है इसके बजाय टाइगर थ्री एक पर केंद्रित है एक उद्धतकर्ता परिसर और प्रदर्शनी का मदन मदक मिश्रण है रोस्टर में नए शामिल होने और पुराने परिचित चेहरों के मिश्रण में लौटने के बावजूद टाइगर थ्री में कहानी को बनाने के लिए आवश्यक रोमांच और चुटच नहीं है दोस्तों बात करें फिल्म की कथानक के बारे में तो उन्नीस में एक किशोरी जोया अपने पिता आईएसआई एजेंट रेहान नजर को एक बम विस्फोट में मरते हुए देखती है उसके अंतिम संस्कार संस्कार के बाद नजर का विषय आतिश रहमान उससे मिलने जाता है जो उसे आई आई में शामिल होने के लिए मना लेता है वर्तमान में अविनाश टाइगर सिंह राठौर को नए प्रमुख मैथिली मेनन धारा टाइगर के पूर्व हेडलर गोपी आर्य को बचाने के लिए एक मिशन के लिए बुलाया जाता है जिसे पाकिस्तान में योजना बनाए जा रहे हैं एक मिशन के बारे में तालिबान से जानकारी निकालने के लिए की कोशिश के बाद अफगानिस्तान में पकड़ लिया गया था अपने बचाव के बात गोपी ने टाइगर को बताया कि जोया नियोजित मिशन में शामिल है और उसकी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई टाइगर जोया की जासूसी करना शुरू कर देता है और बाद में उसे रूस पी, के सेंट पीटर्सबर्ग में जिब्रान शेख नामक एक रॉ एजेंट की सुरक्षा का काम सौंपा जाता है जो गोपी के साथ काम करता था और पाकिस्तान में पाए जाने के बाद देश से भाग जा गया था टाइगर ने जोया धारा शेख की हत्या के प्रयास को देखा उसे बचाने का के बाद टाइगर को आतीश ने पकड़ लिया जिसने खुलासा किया कि उसने जोया को लगभग नशीला पदार्थ खिलाकर और टाइगर के बेटे जूनियर का अपहरण करके शेख की हत्या करने के लिए मजबूर किया था बारह साल पहले है कि फ्लैशबैक में पता चलता है कि आतिश ने भारतीय सेना के जनरल की हत्या करके वियना में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति संधि को पटरी से उतारने की कोशिश की थी योजना में सहयोग करने से इनकार करने के बाद जोया गुप्ता रूप से गुप्त रूप से टाइगर को सूचित करती है आतीश की गर्भवती पत्नी शाहीन बेग ने खुद हत्या का प्रयास किया लेकिन टाइगर ने उसे गोली मार दी आतीश ने इस बात से इनकार किया कि उसके एजेंटों को योजना के बारे में पता था और बाद में उसे जेल में डाल दिया गया और आईएसआई से बाहर कर दिया गया टाइगर और जोया जूनियर के बदले में इस्तांबुल में मिसाइल लॉन्च कोड वाले आतिश के लिए एक विफकेश चुराने के लिए रॉ एजेंटो राकेश कारण और करण और निखिल की पत्नी टीम की भर्ती करते हैं इसके बाद आतिश ने टाइगर और जोया को उनके संबंधित देशों द्वारा देशद्रोही के रूप में दोषी ठहराया जिसके कारण टाइगर को उत्तरी पाकिस्तान की एक सेना जेल में बंद कर दिया गया टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है लेकिन वह पठान की मदद से भागने में सफल हो जाता है इसके बाद वह इस्लामाबाद की यात्रा करता है जहां वह अपने दत्तक पुत्र हसन से मिलता है जिसे टाइगर ने इस में स्क्रीट में एक मिशन में बचाना बचाया था टाइगर की टीम जोया और आईएसआई एजेंट अबरार और जावेद इस्लामाबाद लौटते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि आतिश और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल इम्तियाज हक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या करने की योजना बना रहे हैं ताकि अतीश उनकी जगह ले सके टाइगर जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से पाकिस्तान के पीएमओ में प्रवेश करती है और ईरानी को योजना बताती है टाइगर और जोया ईरानी को एक भूमि भूमिगत बंकर में ले जाते हैं और टाइगर हक को सार्वजनिक रूप से योजना का खुलासा करने के लिए मजबूर करते हैं हालांकि आतिश ने जावेद की मदद से हक को गुप्त रूप से मार डाला जो हाशी शाहीन का भाई बताया गया और टाइगर को हक की हत्या के लिए फंसाया अबरार और करण को आतिश और जावेद ने मार डाला जो ईरानी का पता लगाने लगाते हैं हर्षन ने खुद को बलिदान कर दिया जिससे टाइगर और जोया को ईरानी को भगाने में मदद करने का मौका मिला जोया ने जावेद की हत्या करने के अबरार और करण की मौत का बदला लिया टाइगर और आतिश के बीच लड़ाई हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप टाइगर आतिश को मार देता है ईरानी ने आतिश की साजिश को जनता के सामने उजागर कर दिया और टाइगर जोया और उनकी टीम निर्दोष साबित हुई टाइगर मेनन से संपर्क करता है और उसे आश्वासन देता है कि वह हमेशा अपने देश की सेवा के लिए मौजूद रहेगा मेड क्रेडिट दृश्य में कर्नल सुनील लूथरा कबीर धालीवाल से संपर्क करते हैं और उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या करने का काम सौंपते हैं अविनाश टाइगर सिंह राठौर एक राव एजेंट और जोया के पति के रूप में सलमान खान जोया के रूप में कैटरीना कैफ इमरान हाशमी आतीश रामान के रूप में रेवती राव की प्रमुख मैथिली मेनन के रूप में सिमरन पाकिस्तान की प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी के रूप में शाहीन बेग आतीश की पत्नी और जावेद की बहन के रूप में रिद्धि डोगरा हसन अली के रूप में विशाल जेठवा राकेश प्रसाद चौरसिया के रूप में कुमुद मिश्रा टाइगर के पूर्व हैडलर गोपी आर्य के रूप में रणवीर सौरी जोया के पिता रेहान नजर के रूप में आमिर बशीर गेवी चहल मेशर अबरार के रूप में करण राव के रूप में अनंत विधा शर्मा शाहीन के भाई कैप्टन जावेद बेग के रूप में दानिश भट्टे सरताज कक्कड़ जूनियर टाइगर के और जोया के बेटे के रूप में निखिल के रूप में चंद्रचूड़ राय जनरल इस्तिमाक हक सेना प्रमुख के रूप में शाहिद लतीफ डॉक्टर हाफमैन के रूप में एडवर्स शोनेल नलबीन, जिब्रान शेख के रूप में नीरज पुरोहित दानिक हुसैन आईएसएस के महानिदेशक जनरल डीजी रियाज के रूप में जनरल जिमो के रूप में मिशेल ली अनिल कुरुवल्ला भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में डेंजिल स्मिथ भारतीय रक्षा मंत्री के रूप में विमल ओबरॉय जनरल रिबेल थल के रूप में गुरकीत कौर युवा जोया के रूप में रमीज के रूप में संदीप कुलकर्णी शकील पाकिस्तानी प्रियजन गार्ड के रूप में वरिंदर सिंह गुमन, पठान के रूप में शाहरुख खान विशेष उपस्थिति में कर्नल सुनील लूथरा के रूप में आशुतोष राणा कैमियो उपस्थिति मेजर कवि कबीर शी धालीवार के रूप में ऋतिक रिति, रोशन कैमियो उपस्थिति 2020 की शुरुआत में यह बताया गया कि टाइगर जिंदा है 2017 का सीक्वल विकास में था जिसमें सलमान खान और कैटरीना कैप अपनी भूमिकाओं को दोहरा रहे थे 2020 के अंत में मनीष शर्मा को मनीष शर्मा को अली अब्बास जफर की जगह लेते हुए फिल्म का निर्देशन करने के लिए चुना गया जिन्होंने पिछली किस्त का निर्देशन किया था 4 मार्च 2022 को यशराज फिल्म्स द्वारा इस परियोजना की घोषणा की गई थी शानू शर्मा फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर थी फरवरी 2021 में सलमान खान और कैटरीना कैफ के टाइगर और जोया के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराने की पुष्टि की गई जिसमें इमरान हाशमी को खलनायक के रूप में लिया गया अनुपस्थित रहने के बाद रणवीर और शोरी को फ्रेंचाइजी में लौटने की घोषणा की गई टा, टाइगर जिंदा है में विशाल जेठवा अक्टूबर 2021 में कलाकारों में शामिल हुए जबकि रेवती और रिद्धि डोगरा को एक महीने बाद चुना गया शाहरुख खान और ऋतिक रोशन ने कैमियो भूमिका में क्रमोश पठान और मेजर कबीर धालीवाल के रूप में अपनी भूमिकाएं दोहराई मुख्य फोटोग्राफी मार्च दो हज़ार इक्कीस के तीसरे सप्ताह में दिल्ली और मुंबई में शुरू हुई छब्बीस फरवरी दो हज़ार इक्कीस को मुंबई के आ वाई आर एफ स्टूडियो में एक पारंपरिक पूजा आयोजित की गई थी इसके बाद फिल्मांकन तुर्की में हुआ जिसमें कंपाडोशिया अंताल्या और इस्तांबुल शामिल थे जबकि जबकि अगस्त 2021 में सेट पीट्सबर्ग में एक पीटरबर्ग में एक कार का पीछा करने का दृश्य फिल्माया गया था अतिरिक्त दृश्य ऑस्ट्रिया में फिल्माए गए थे और अल्टोरसिया में सितंबर 2021 में भारत में फिल्मांकन फरवरी 2020 तक नई दिल्ली में फिर से शुरू हुआ और आगे के एक्शन दृश्यों को अप्रैल 2023 में मुंबई में फिल्माया गया शाहरुख खान का कैमियो था मर्ड आइलैंड में 10 दिनों के शेड्यूल के भीतर फिल्माया गया जहां एक एक्शन सीक्वेंस के लिए एक बड़े सेट का निर्माण किया गया था ऋतिक रोशन का कैमियो वार टू के निर्देशक अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित किया गया था फिल्मांकन मई दो में संपर्क हुआ संपन्न हुआ फिल्म का साउंड ट्रैक प्रीतम धारा संगीतबद्ध किया गया था जबकि इर्शाद कामिल और अमिताभ भट्टाचार्य ने गीत लिखे थे बैकग्राउंड स्कोर तनुज टीकू धारा तैयार किया गया था पहला एकल शीर्षक लेके प्रभु का नाम तेईस अक्टूबर दो हज़ार तेईस को जारी किया गया था दूसरा एकल शीर्षक रुआ छः नवंबर दो हज़ार तेईस को जारी किया गया था टाइगर का मैसेज नामक एक टीजर 27 सितंबर 2023 को जारी किया गया था आधिकारिक ट्रेलर 16 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था कैटरीना कैफ एक ब्रिटिश अभिनेत्री हैं जो हिंदी भाषा की फिल्मों में काम करती है भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक उन्हें तीन फिल्मफेयर नामांकन के अलावा चार स्क्रीन पुरस्कार और चार जी ने पुरस्कार सहित प्रशंसा मिली है हालांकि उनके अभिनय का स्वागत अलग अलग है फिर भी उन्हें उनकी एक्शन फिल्म भूमिकाओं और विभिन्न सफल आइटम नंबरों में उनकी नृत्य क्षमता के लिए जाना जाता है हंगकांग में जन्मी कैब तीन साल के लिए लंदन जाने से पहले कई देशों में रही उन्हें किशोरावस्था में अपना पहला मॉडलिंग असाइनमेंट मिला और बाद में उन्होंने एक फैशन मॉडल के रूप में अपना करियर बनाया लंदन में एक फैशन शो में भारतीय फिल्म निर्माता कैजाद गुस्ताद ने उन्हें बूम 2003 में कास्ट किया जो एक महत्वपूर्ण और व्यवसायिक विफलता थी जबकि कैप ने भारत में एक सफल मॉडलिंग करियर स्थापित किया लेकिन हिंदी पर उनकी खराब पड़ो पकड़ के कारण शुरू में उन्हें फिल्म भूमिकाएं ढूंढने में कठिनाई हुई तेलुगु फिल्म मल्लेश्वरी 2004 में दिखाई देने के बाद कैफ ने रोमांटिक कॉमेडी मैंने प्यार क्यों किया से बॉलीवुड में व्यावसायिक सफलता अर्जित की 2005 और नमस्ते लंदन 2007 बॉक्स सात ऑफिस पर हिट फिल्मों की एक श्रृंखला के साथ आगे सफलता मिली लेकिन उनके अभिनय दोहराव वाली भूमिकाओं और पुरुष प्रधान फिल्मों के प्रति झुकाव के लिए उनकी आलोचना की गई थ्रिलर न्यूयॉर्क 2009 और रोमांटिक कॉमेडी मेरे ब्रदर की दुल्हन 2021 में कैफ के प्रदर्शन को बेहतर सराहना मिली जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला इस अवधि के दौरान उन्होंने अजब प्रेम की गजब कहानी 2009 राजनीति 2010 और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2011 में अभिनय किया और एक्शन थ्रिलर एक था टाइगर 2012 धूम थ्री 2013 में उन्हें बड़ी व्यावसायिक सफलता मिली और बैंग बैंग दो हजार सभी फिल्मों सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से, से शुमार है सबसे व्यवसायिक सफलता विधिक रही है एक्शन फिल्में टाइगर जिंदा है 2017, हज़ार सूर्यवंशी दो, दो, टाइगर दो और टाइगर थ्री 2023 और ड्रामा भारत 2019 बॉक्स ऑफिस पर हिट बनकर उभरी रोमांटिक ड्रामा जीरो 2018 में कैफ की एक शराबी अभिनेत्री की भूमिका ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का जी से पुरस्कार दिलाया मीडिया में कैफ अक्सर भारत की सबसे लोकप्रिय और आकर्षक हस्तियों की सूची में शामिल होते हैं एक नियमित ब्रांड एंडोरसन उन्होंने 2019 में अपनी कॉस्मेटिक लाइन के ब्यूटी लॉन्च की व स्टेज शो में भाग लेती है और अपनी मां की चैरिटी रिलीफ प्रोजेक्ट्स इंडिया से जुड़ी है जो वंचित बच्चों की मदद के लिए काम करती है कैफ ने अभिनेत अभिनेता विक्की कौशल से शादी की है 2019 में कैफ ने एक बार फिर से सलमान खान और अली अब्बास जफर के साथ नाटक भारत में सहयोग किया जो दक्षिण कोरियाई फिल्म ओड टू टूमा वो टू माय फादर दो चौदह का रूपांतरण था कैफ ने एक इंजीनियर की भूमिका में प्रियंका चोपड़ा की जगह ली जिसे खान के चरित्र से प्यार हो जाता है कैफ ने मीडिया के उन अटकटों को खारिज कर दिया कि उन्होंने यह भूमिका अपने दोस्त खान के पक्ष में स्वीकार किया है और स्क्रिप्ट की सराहना का हवाला दिया भारत दो की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई जबकि फिल्म की समीक्षाएँ अलग अलग थी गॉर्जियन में माइक मैकोहिल ने कैफ और खान के बीच अच्छी केमिस्ट्री को नोट किया और सोच की सोचा कि उनके नजरिए में ईमानदारी ने दर्शकों को उनके चरित्र के संदिग्ध विकल्पों को नजरअंदाज करने में मदद की कैफ की 2020 की एकमात्र फिल्म अक्षय कुमार के साथ रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी होती है लेकिन भारत में कोविड 19 महामारी के कारण नवंबर 2021 में इसकी अंतिम रिलीज तक कई देरी हुई शेट्टी की लार्जर देन लाइफ निर्देशन शैली के प्रशंसक कैफ ने कुमार के किरदार की पत्नी की भूमिका निभाई सूर्यवंशी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और कुछ समय के लिए भारत की साल की भारत की साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई कैफ ने अगली बार कॉमेडी हॉरर फिल्म फोन भूत दो में सिद्धार्थ चतुर्वेदी और ईशान खट्टर के साथ एक भूत की भूमिका निभाई द इंडियन एक्सप्रेस और द वीक के समीक्षक उनकी कॉमेडी टाइमिंग से प्रभावित नहीं थे वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स के हिस्से के रूप में कैफ ने अगली बार टाइगर थ्री 2023 में जोया के रूप में अपनी भूमिकाएं दोहराई उन्होंने फिल्म में अपने स्टारर करने के लिए दो महीने के शारीरिक प्रतिक्षण को अपने करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण माना आलोचक रोजर एबॉट की वेबसाइट में एक समीक्षक ने लिखा है कि कैफ को कुछ दृश्य चुराने के को मिलते हैं विशेष रूप से स्नात स्नानगर में एक युद्ध दृश्य जबकि वह अपने कलाकार सलमान खान की तुलना में बंदूक के साथ एक बेहतर आकर्षण बनाए रखती है टाइगर थ्री को कैफ के करियर का सबसे बड़ा शुरुआती सप्ताह हाथ मिला और इसने दुनिया भर में 4.6 बिलियन से अधिक की कमाई की वह श्रीराम राघवन की द्विभाषी थ्रिलर मेरी क्रिसमस में विजय सेतुपति के साथ अभिनय करेंगी अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान एक भारतीय अभिनेता हैं फिल्म निर्माता और टेलीविजन व्यक्तित्व हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं तीन दशकों से अधिक के करियर में खान को कई पुरस्कार मिले हैं जिनमें एक फिल्म निर्माता के रूप में दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और एक अभिनेता के रूप में एक फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है मीडिया में उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे व्यावसायिक रूप से सफल अभिनेताओं में से एक के रूप में उद्धृत किया जाता है फोर्ब्स 2015 में और 2018 में खान को दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मशहूर हस्तियों की सूची में शामिल किया है जिसके बाद के वर्ष में वह सबसे ज्यादा रैंक वाले भारतीय रहे खान ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बीबी हो तो वैसे दो 1988 में एक सहायक भूमिका के साथ की इसके बाद उन्हें सूरज बड़जात्या की रोमांस मैंने प्यार किया 1989 में एक प्रमुख भूमिका के साथ सफलता की सफलता मिली उन्होंने उन्नीस के दशक में कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों के साथ खुद को स्थापित किया जिसमें बरजात्या के पारिवारिक ड्रामा हम आपके हैं कौन भी शामिल हैं उन्नीस में और हम साथ साथ हैं उन्नीस एक्शन फिल्म करण अर्जुन उन्नीस और कॉमेडी बीबी नंबर वन उन्नीस दो हज़ार के दशक में गिरावट की अवधि के बाद खान ने 2010 के दशक में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्शन फिल्मों दबंग 2010, हज़ार 2011, रेडी 2011, हज़ार ग्यारह एक था टाइगर 2012, दबंग 2, 2012 बारह किक दो और टाइगर जिंदा है 2017 और बजरंगी भाईजान 2015 और सुल्तान 2016 जैसे नाटक खान 10 व्यक्तिगत वर्षों में वार्षिक सर्वाधिक के कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है जो किसी भी अभिनेता के लिए सबसे अधिक है अपने अभिनय करियर के अलावा खान एक टेलीविजन होता है और अपनी चैरिटी बिंग ह्यूमन फाउंडेशन के माध्यम से मानवीय कारणों को बढ़ावा देते हैं 2018 में खान ने वर्ष की अपनी एकमात्र रिलीज रेस थ्री एक, एक एक्शन फिल्म में प्रमुख भूमिका निभाई फिल्म में अनिल कपूर बॉबी देवल जैकलीन फर्नांडेज और अन्य कलाकार शामिल थे फिल्म की कहानी कमजोर प्रदर्शन और क्लाइमैक्स के लिए आलोचना की गई थी बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इसे औसत कमाई वाली फिल्म घोषित किया खान ने भारत में अभिनय किया जो पाँच जून दो को रिलीज हुई और दबंग जो दो दबंग थ्री जो 20 दिसंबर 2019 को रिलीज हुई भारत एक मध्य हिट थी जबकि दबंग थ्री व्यावसायिक रूप से फ्लॉप हो गए इस बीच किक टू जो कि क्रिसमस 2019 के आसपास रिलीज होने वाली थी इस उसमें देरी हो गई उन्होंने तेरह मई दो हज़ार इक्कीस को रिलीज हुई राधे में अभिनय किया जिसे नकारात्मक समीक्षा मिली उनकी अगली फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रोथ जहां उन्होंने दूसरी मुख्य भूमिका निभाई को आलोचकों से विकसित समीक्षा मिली लेकिन खान के प्रदर्शन की काफ़ी सराहना की गई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई इसके बाद उन्होंने टाइगर के रूप में अपनी नामांकन भूमिका को दोहराते हुए पठान में एक कैमियो किया उसी वर्ष उन्होंने फरहाद सामजी धारा निर्देशित वीरम की रीमेक किसी का भाई किसी की जान में अभिनय किया फिल्म को मिकसित समीक्षा मिली और यह अभिनेता के लिए बॉक्स ऑफिस पर एक औसत फ्लॉप साबित हुई वाई हरे यूनिवर्स के हिस्से के रूप में खान ने अगली बार टाइगर थ्री दो हज़ार तेईस में टाइगर के रूप में अपने भूमिका दोहराई फिल्म ने दुनिया भर में 4.6 बिलियन से अधिक की कमाई की है इमरान अनवर हाशमी एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी सिनेमा में काम करते हैं भट्ट परिवार में जन्मे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत हॉरर फिल्म राज 2002 में सहायक निर्देशक के रूप में की उन्होंने अपराध फिल्म फुटपाथ 2003 से अपनी अभिनय की शुरुआत की और का कामुक थ्रिलर मर्डर 2004 में अपनी अभिनियत भूमिका के लिए सफलता हासिल की हाशमी ने कलायुग दो हज़ार गैंगस्टर्स लव स्टोरी 2006 और आवारापन 2007 हज़ार जैसी थ्रिलर फिल्मों में अभिनय किया उनकी अन्य समीक्षकों या व्यवसायिक रूप से सफल फिल्में जन्नत 2008 राज द कस्टीज कंटिन्यूज दो मिस्ट्री, मिस्ट्री मर्डर टू दो हज़ार ग्यारह द डॉटी पिक्चर दो हज़ार ग्यारह जन्न टू दो हज़ार बारह शामिल है शंघाई दो हज़ार बारह और राज थ्री द दा थर्ड डायमेंशन दो हज़ार बारह इसके बाद खराब प्रतिक्रिया वाली फिल्मों की एक श्रृंखला आई और एक अंतराल आया उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल एक्शन थ्रिलर द टाइगर थ्री के साथ वापसी की हाशमी का करियर तब पुनर्जीवित हुआ जब उन्होंने मनीष शर्मा की एक्शन थ्रिलर टाइगर थ्री में सलमान खान और कैटरीना कैप से के कलाकार आतीश रहमान के रूप में अभिनय किया यह फिल्म वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है रिलीज होने पर फिल्म को समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें हाशमी के प्रदर्शन की विशेष सफलता हो विशेष प्रशंसा हुई बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यवसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने दुनिया भर में चार से बासठ पॉइंट सेवन वन करोड़ की कमाई की वर्ष की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों के रूप में रैंकिंग वर्ष की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय आसमी सुजीत की एक्शन थ्रिलर ओजी के साथ तेलुगु सिनेमा में अपनी शुरुआत करेंगे जिसमें उनके सह कलाकार पवन कल्याण और प्रियंका अरुल मोहन होंगे टाइगर थ्री एक दो तेईस भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो वाई आर एफ एसफाई यूनिवर्स में पाँचवीं किस्त है सलमान खान कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी या मनीष शर्मा धारा निर्देशित और यशराज फिल्म के तहत आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है टाइगर जिंदा है दो की अगली कड़ी यह फिल्म वार 2019 और पठान 2023 की घटनाओं पर आधारित है इसमें टाइगर और जोया एक दुष्ट आईएसआई एजेंट को रोकने के लिए निकलते हैं पाकिस्तान सरकार के खिलाफ तख्त पलट करने के लिए उनका इस्तेमाल करता है प्रमुख फोटोग्राफी मार्च दो में दिल्ली मुंबई इस्तांबुल सेंट पीटर्सबर्ग और वियना में की फिल्म के, फिल्म के फिल्मांकन के साथ शुरू हुई फिल्म का साउंड ट्रैक प्रीतम धारा रचित है जबकि बैकग्राउंड स्कोर तनुष टिकू धारा रचित है 300 करोड़ के अनुमानित बजट के साथ यह सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है और यश राज फिल्म धारा निर्मित सबसे महंगी फिल्म है टाइगर थ्री को दिवाली के अवसर पर 12 नवंबर दो को मानक आई मैक्स और अन्य प्रारूप प्रीमियर प्रारूपों में रिलीज किया गया था इस आलोचकों से मिकसित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके एक्शन दृश्य संगीत और कैफ और हाशमी के प्रदर्शन की प्रशंसा हुई लेकिन इसके कथानक और गति की आलोचना हुई फिल्म ने दुनिया भर में चार की कमाई की जो 2023 की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और 2023 की आठवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई टाइगर तेईस को शुरू में ईद के अवसर पर 21 अप्रैल 2023 को रिलीज किया जाना था फिर इसे 12 नवंबर 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया और नौ दिवासी दिवाली के अवसर पर तमिल और तेलुगु में डब संस्करणों के साथ हिंदी में दुनिया भर में आठ हजार नौ सौ स्क्रीनों पर रिलीज किया गया इस्लामिक देशों में के नकारात्मक चित्रण के कारण फिल्म को ओमान कुवैत और कतर में प्रतिबंधित कर दिया गया था फिल्म का प्रीमियर 7 जनवरी 2024 से अमेजॉन प्राइम वीडियो पर किया गया था 15 दिसंबर 2023 तक टाइगर ने भारत में तीन सौ करोड़ से अधिक और विदेशों बाजारों में एक सौ बीस पॉइंट फाइव फाइव करोड़ से अधिक की कमाई की दुनिया भर में कुल मिलाकर फोर हंड्रेड सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री करोड़ से अधिक की कमाई हुई इस फिल्म ने दिवाली पर किसी हिंदी भाषा की फिल्म के लिए सबसे अधिक ओपनिंग डे पर चौरानवे करोड़ की कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया जिसमें उत्तरी अमेरिका में भूग भुगतान किए गए पूर्वालोकन से 7.76 करोड़ शामिल थे फिल्म के हिंदी संस्करण ने भारत में रिकॉर्ड तोड़ तैतालीस करोड़ की कमाई की इसके डब तमिल और तेलुगु संस्करण से अतिरिक्त 1.50 करोड़ कमाए कुल मिलाकर 44.50 करोड़ यह खान और कैप दोनों के लिए सबसे बड़ा वैश्विक शुरुआती सप्ताह था समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रूटीन टोमैटो पर 21 आलोचकों में से सत्तावन परसेंट समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग दस में से सिक्स है टाइगर थ्री को रिलीज होने पर आलोचकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें इसके एक्शन दृश्य संगीत स्कोर तकनीकी पहलुओं और कलाकारों के प्रदर्शन विशेषकर कैफ और हाशमी के लिए प्रशंसा हुई लेकिन इसकी कथानक और गति के लिए आलोचना हुई बॉलीवुड हंगामा के तरुण आदर्श ने फिल्म को पाँच में से चार स्टार दिए और लिखा टाइगर थ्री सबसे बड़ा धमाका है जिसकी आप इस दिवाली उम्मीद कर सकते हैं ने दूसरे भाग और खान कैफ और हाशमी के प्रदर्शन की प्रशंसा की और शाहरुख खान के कैमियों की सराहना की पिंक विला के हिमेश ने फिल्म को में से थ्री फाइव स्टार दिया और लिखा टाइगर थ्री में खान कैफ और हाशमी के सशक्त प्रदर्शन के साथ जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस है जबकि कुछ स्थानों पर गति एक मुद्दा है मुख्य कथानक का में काफी कुछ है बड़े पर्दे पर आपको बांधे रखने के लिए एक भावनात्मक जुड़ाव यह फिल्म एक एक्शन से भरपूर मनोरंजक किया फिल्म है जिसमें खान की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने के लिए सभी सामग्रियाँ हैं न्यूज 18 के सुनील देदिया ने फिल्म को पाँच में से तिर फाइव स्टार दिया और लिखा टाइगर थ्री में खान और कैफ के साथ कुछ उत्कृष्ट एक्शन दृश्य हैं खास में एक खलनायक के रूप में अपनी भूमिकाएँ भूमिका के साथ न्याय करते हैं टाइगर थ्री में कई प्यार प्यारे योग्य क्षण हैं जिसमें शामिल है कैमियो जिसे हर कोई जानता है खान प्रशंसकों को इस दिवाली एक सौगात मिलने वाली है फर्स्ट पोस्ट के विनम्र माथुर ने पाँच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए और लिखा खान और कैप पूरे जोश के साथ टाइगर थ्री के एक्शन के लिए खुद को प्रस्तुत करते हैं फिल्म स्टाइलिश चिकनी दिखती है लेकिन थोड़ी लंबी है केवल अगर इसमें अधिक रोमांच और तनाव हो और कम बात करना टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कुटेजा ने फिल्म को पाँच में से तीन स्टार दिए और लिखा टाइगर थ्री बड़े पैमाने पर मनोरंजन के लिए पर्याप्त बारूद के साथ फ्रेंचाइजी के लिए एक अच्छा अतिरिक्त है इंडिया टुडे के जीनिया बंदोपाध्याय ने पाँच में से तीन स्टार दिए और लिखा एक भीड़ वाले जासूसी ब्रह्मांड के बावजूद टाइगर थ्री अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब है खान प्रशंसक निराश नहीं होंगे लेकिन कोई कैफ को जोया सीरीज का नाम दें एनटीवी के शैबा चटर्जी ने फिल्म को 5 में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिए और लिखा एक या दो सितारों की उपस्थिति के बिना सभी तकनीकी रज्जा मात्र रज्जा मातु शून्य हो जाते जो चमक जोड़ सकते हैं वलेहीन सतही प्रकार की अभ्यास में द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्र गुप्ता ने फिल्म को पाँच में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिए और लिखा खान अपनी उम्र के लिए लग रहे हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि यह इसे छिपा नहीं रहे हैं और निश्चित रूप से फिल्म का सबसे अच्छा हिस्सा वह है जब पठान उर्फ शाहरुख खान अपने बालों के साथ मैन बन और स्मार्ट वन लाइनर शूट करते हुए में उड़ते हुए आते हैं। की वर्मा ने पांच में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिए और लिखा बहुत बुरा हुआ कि एक समय पर्यावरण के अनुकूल था टाइगर ने अपनी दिवाली मीठा के साथ मनाना चुनाना की पटाखा के साथ हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल को क्रेजा ने इसकी गति को असंगत कहा और लिखा टाइगर थ्री विशाल मशाला और अवश्य देखी जाने वाली है इसलिए नहीं कि यह एक उत्कृष्ट कृति है बल्कि इसलिए क्योंकि हम हर रोज नहीं होता है कि आप दो सुपरस्टारों को स्क्रीन स्पेस इस साझा करते हुए देखें भले ही वह कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो थोड़ी देर निर्देशक के रूप में शर्मा ने सभी तत्वों को इस तरह से पैक किया है कि यह एक दिलचस्प घड़ी बन जाए जबकि कहानी और व्यापक कथानक का काफी जटिल और जटिल है जिसमें हर कुछ मिनटों में एक नया मोड़ और मोड आने का इंतजार रहता है लेकिन जो समस्या बनी रहती है वह है असंगत गति क्वीट के प्रत्यक्ष मिश्रा ने लिखा टाइगर थ्री उन फिल्मों में से एक है, जिन्हें है एक्शन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। टाइगर और जोया के बीच की प्रेम कहानी टाइगर फ्रेंचाइजी का मुख्य आकर्षण है इसके बजाय टाइगर थ्री एक पर केंद्रित है एक उद्धतकर्ता परिसर और प्रदर्शनी का मदन मदक मिश्रण है रोस्टर में नए शामिल होने और पुराने परिचित चेहरों के मिश्रण में लौटने के बावजूद टाइगर थ्री में कहानी को बनाने के लिए आवश्यक रोमांच और चुटचपा नहीं है दोस्तों बात करें फिल्म की कथानक के बारे में तो उन्नीस में एक किशोरी जोया अपने पिता आईएसआई एजेंट रेहान नजर को एक बम विस्फोट में मरते हुए देखती है उसके अंतिम संस्कार संस्कार के बाद नजर का विषय आतिश रहमान उससे मिलने जाता है जो उसे आई आई में शामिल होने के लिए मना लेता है वर्तमान में अविनाश टाइगर सिंह राठौर को नए रॉ प्रमुख मैथिली मेनन धारा टाइगर के पूर्व हेडलर गोपी आर्य को बचाने के लिए एक मिशन के लिए बुलाया जाता है जिसे पाकिस्तान में योजना बनाए जा रहे हैं एक मिशन के बारे में तालिबान से जानकारी निकालने के लिए की कोशिश के बाद अफगानिस्तान में पकड़ लिया गया था अपने बचाव के बात गोपी ने टाइगर को बताया कि जोया नियोजित मिशन में शामिल है और उसकी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई टाइगर जोया की जासूसी करना शुरू कर देता है और बाद में उसे रूस के सेंट पी, पीटर्सबर्ग में जिब्रान शेख नामक एक रॉ एजेंट की सुरक्षा का काम सौंपा जाता है जो गोपी के साथ काम करता था और पाकिस्तान में पाए जाने के बाद देश से भाग जा गया था टाइगर ने जोया धारा शेख की हत्या के प्रयास को देखा उसे बचाने का के बाद टाइगर को आतीश ने पकड़ लिया जिसने खुलासा किया कि उसने जोया को लगभग नशीला पदार्थ खिलाकर और टाइगर के बेटे जूनियर का अपहरण करके शेख की हत्या करने के लिए मजबूर किया था बारह साल पहले है कि फ्लैशबैक में पता चलता है कि आतिश ने भारतीय सेना के जनरल की हत्या करके वियना में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति संधि को पटरी से उतारने की कोशिश की थी योजना में सहयोग करने से इनकार करने के बाद जोया गुप्ता रूप से गुप्त रूप से टाइगर को सूचित करती है आतिश की गर्भवती पत्नी शाहीन बेग ने खुद हत्या का प्रयास किया लेकिन टाइगर ने उसे गोली मार दी आतिश ने इस बात से इनकार किया कि उसके एजेंटों को योजना के बारे में पता था और बाद में उसे जेल में डाल दिया गया और आईएसआई से बाहर कर दिया गया टाइगर और जोया जूनियर के बदले में इस्तांबुल में मिसाइल लॉन्च कोड वाले आतिश के लिए एक विफकेश चुराने के लिए राह एजेंटो राकेश कारण और, और करण और निखिल की पत्नी टीम की भर्ती करते हैं इसके बाद आतिश ने टाइगर और जोया को उनके संबंधित देशों द्वारा देशद्रोही के रूप में दोषी ठहराया जिसके कारण टाइगर को उत्तरी पाकिस्तान की एक सेना जेल में बंद कर दिया गया टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है लेकिन वह पठान की मदद से भागने में सफल हो जाता है इसके बाद वह इस्लामाबाद की यात्रा करता है जहां वह अपने दत्तक पुत्र हसन से मिलता है जिसे टाइगर ने स्क्रिया में स्क्रीट में एक मिशन में बचाना बचाया था टाइगर की टीम जोया और आईएसआई एजेंट अबरार और जावेद इस्लामाबाद लौटते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि आतिश और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल इम्तियाज हक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या करने की योजना बना रहे हैं ताकि अतीश उनकी जगह ले सके टाइगर जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से पाकिस्तान के पीएमओ में प्रवेश करती है और ईरानी को योजना बताती है टाइगर और जोया ईरानी को एक भूमि भूमिगत बंकर में ले जाते हैं और टाइगर हक को सार्वजनिक रूप से योजना का खुलासा करने के लिए मजबूर करते हैं हालांकि आतिश ने जावेद की मदद से हक को गुप्त रूप से मार डाला जो हाशी शाहीन का भाई बताया गया और टाइगर को हक की हत्या के लिए फंसाया अबरार और करण को आतिश और जावेद ने मार डाला जो ईरानी का पता लगाने लगाते हैं हसन ने खुद को बलिदान कर दिया जिससे टाइगर और जोया को ईरानी को भगाने में मदद करने का मौका मिला जोया ने जावेद की हत्या करने के अबरार और करण की मौत का बदला लिया टाइगर और आतिश के बीच लड़ाई हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप टाइगर आतिश को मार देता है ईरानी ने आतिश की साजिश को जनता के सामने उजागर कर दिया और टाइगर जोया और उनकी टीम निर्दोष साबित हुई टाइगर मेनन से संपर्क करता है और उसे आश्वासन देता है कि वह हमेशा अपने देश की सेवा के लिए मौजूद रहेगा मेड क्रेडिट दृश्य में कर्नल सुनील लूथरा कबीर धालीवाल से संपर्क करते हैं और उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या करने का काम सौंपते हैं अविनाश टाइगर सिंह राठौर एक राव एजेंट और जोया के पति के रूप में सलमान खान जोया के रूप में कैटरीना कैफ इमरान हाशमी आतिश रहमान के रूप में रेवती राव की प्रमुख मैथिली मेनन के रूप में सिमरन पाकिस्तान की प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी के रूप में शाहीन बेग आतिश की पत्नी और जावेद की बहन के रूप में रिद्धि डोगरा हसन अली के रूप में विशाल जेठवा राकेश प्रसाद चौरसिया के रूप में कुमुद मिश्रा टाइगर के पूर्व हैडलर गोपी आर्य के रूप में रणवीर सौरी जोया के पिता रेहान नजर के रूप में आमिर बशीर गेवी चहल मेसर अबरार के रूप में करण राव के रूप में अनंत विदा शर्मा शाहीन के भाई कैप्टन जावेद बेग के रूप में दानिश भट्ट शरताज कक्कड़ जूनियर टाइगर के और जोया के बेटे के रूप में निखिल के रूप में चंद्रचूड़ राय जनरल इस्तिमाक हक सेना प्रमुख के रूप में शाहिद लतीफ डॉक्टर हाफमैन के रूप में एडवर्स सोनेल नलबीन, जिब्रान शेख के रूप में नीरज पुरोहित दानिक हुसैन आई के महानिदेशक जनरल डीजी रियाज के रूप में जनरल जिमो के रूप में मिशेल ली अनिल कुरुवल्ला भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में डेंजिल स्मिथ भारतीय रक्षा मंत्री के रूप में विमल ओबरोय, जनरल रिबेल थल के रूप में गुरकीत कौर युवा जोया के रूप में रमीज के रूप में संदीप कुलकर्णी शकील पाकिस्तानी प्रिजन गार्ड के रूप में वरिंदर सिंह गुमन पठान के रूप में शाहरुख खान विशेष उपस्थिति में कर्नल सुनील लूथरा के रूप में आशुतोष राणा कैमियो उपस्थिति मेजर कवि कबीर धालीवार के रूप में ऋतिक रिति, रोशन कैमियो उपस्थिति 2020 की शुरुआत में यह बताया गया कि टाइगर जिंदा है 2017 का सीक्वल विकास में था जिसमें सलमान खान और कैटरीना कैप अपनी भूमिकाओं को दोहरा रहे थे 2020 के अंत में मनीष शर्मा को मनीष शर्मा को अली अब्बास जफर की जगह लेते हुए फिल्म का निर्देशन करने के लिए चुना गया जिन्होंने पिछली किस्त का निर्देशन किया था 4 मार्च 2022 को यशराज फिल्म्स द्वारा इस परियोजना की घोषणा की गई थी शानू शर्मा फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर थी फरवरी 2021 में सलमान खान और कैटरीना कैफ के टाइगर और जोया के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराने की पुष्टि की गई जिसमें इमरान हाशमी को खलनायक के रूप में लिया गया अनुपस्थित रहने के बाद रणवीर और शोरी को फ्रेंचाइजी में लौटने की घोषणा की गई टा, टाइगर जिंदा है में विशाल जेठवा अक्टूबर 2021 में कलाकारों में शामिल हुए जबकि रेवती और रिद्धि डोगरा को एक महीने बाद चुना गया शाहरुख खान और ऋतिक रोशन ने कैमियो भूमिका में क्रमश पठान और मेजर कबीर धालीवाल के रूप में अपनी भूमिकाएं दोहराई मुख्य फोटोग्राफी मार्च दो हज़ार इक्कीस के तीसरे सप्ताह में दिल्ली और मुंबई में शुरू हुई छब्बीस फरवरी दो हज़ार इक्कीस को मुंबई के आ वाई आर एफ स्टूडियो में एक पारंपरिक पूजा आयोजित की गई थी इसके बाद फिल्मांकन तुर्की में हुआ जिसमें कंपाडोशिया अंताल्या और इस्तांबुल शामिल थे जबकि जबकि अगस्त 2021 में सेट पीट्सबर्ग में एक पीटरबर्ग में एक कार का पीछा करने का दृश्य फिल्माया गया था अतिरिक्त दृश्य ऑस्ट्रिया में फिल्माए गए थे और अल्टोरसिया में सितंबर 2021 में भारत में फिल्मांकन फरवरी 2020 तक नई दिल्ली में फिर से शुरू हुआ और आगे के एक्शन दृश्यों को अप्रैल 2023 में मुंबई में फिल्माया गया शाहरुख खान का कैमियो था मर्ड आइलैंड में 10 दिनों के शेड्यूल के भीतर फिल्माया गया जहां एक एक्शन सीक्वेंस के लिए एक बड़े सेट का निर्माण किया गया था ऋतिक रोशन का कैमियो वार टू के निर्देशक अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित किया गया था फिल्मांकन मई दो में संपर्क हुआ संपन्न हुआ फिल्म का साउंड ट्रैक प्रीतम धारा संगीतबद्ध किया गया था जबकि इर्शाद कामिल और अमिताभ भट्टाचार्य ने गीत लिखे थे बैकग्राउंड स्कोर तनुज टीकू धारा तैयार किया गया था पहला एकल शीर्षक लेके प्रभु का नाम तेईस अक्टूबर दो हजार तेईस को जारी किया गया था दूसरा एकल शीर्षक रुआ छः नवंबर दो हजार तेईस को जारी किया गया था टाइगर का मैसेज नामक एक टीजर 27 सितंबर 2023 को जारी किया गया था आधिकारिक ट्रेलर 16 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था कैटरीना कैफ एक ब्रिटिश अभिनेत्री हैं जो हिंदी भाषा की फिल्मों में काम करती है भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक उन्हें तीन फिल्मफेयर नामांकन के अलावा चार स्क्रीन पुरस्कार और चार जी ने पुरस्कार सहित प्रशंसा मिली है हालांकि उनके अभिनय का स्वागत अलग अलग है फिर भी उन्हें उनकी एक्शन फिल्म भूमिकाओं और विभिन्न सफल आइटम नंबरों में उनकी नृत्य क्षमता के लिए जाना जाता है हंगकांग में जन्म कैब तीन साल के लिए लंदन जाने से पहले कई देशों में रही उन्हें किशोरावस्था में अपना पहला मॉडलिंग असाइनमेंट मिला और बाद में उन्होंने एक फैशन मॉडल के रूप में अपना करियर बनाया लंदन में एक फैशन शो में भारतीय फिल्म निर्माता कैजाद उस्ताद ने उन्हें बूम 2003 में कास्ट किया जो एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलता थी जबकि कैप ने भारत में एक सफल मॉडलिंग करियर स्थापित किया लेकिन हिंदी भूमिकाएं के के ढूंढने में कठिनाई हुई तेलुगु फिल्म मल्लेश्वरी 2004 में दिखाई देने के बाद कैफ ने रोमांटिक कॉमेडी मैंने प्यार क्यों किया से बॉलीवुड में व्यावसायिक सफलता अर्जित की 2005 और नमस्ते लंदन दो हज़ार सात ऑफिस पर हिट फिल्मों की एक श्रृंखला के साथ आगे सफलता मिली लेकिन उनके अभिनय दोहराव वाली भूमिकाओं और पुरुष प्रधान फिल्मों के प्रति झुकाव के लिए उनकी आलोचना की गई थ्रिलर न्यूयॉर्क 2009 और रोमांटिक कॉमेडी मेरे ब्रदर की दुल्हन 2021 में कैफ के प्रदर्शन को बेहतर सराहना मिली जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला इस अवधि के दौरान उन्होंने अजब प्रेम की गजब कहानी 2009 राजनीति 2010 और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2011 में अभिनय किया और एक्शन थ्रिलर एक था टाइगर 2012 धूम थ्री 2013 में उन्हें बड़ी व्यावसायिक सफलता मिली और बैंग बैंग दो हजार सभी फिल्मों सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से, से शुमार है तब से व्यावसायिक सफलता विधिक रही है एक्शन फिल्में टाइगर जिंदा है 2017, हज़ार सूर्यवंशी दो, सूर्य दो, टाइगर दो और टाइगर थ्री 2023 और ड्रामा भारत 2019 बॉक्स ऑफिस पर हिट बनकर उभरी रोमांटिक ड्रामा जीरो 2018 में कैफ की एक शराबी अभिनेत्री की भूमिका ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का जी पुरस्कार दिलाया मीडिया में कैफ अक्सर भारत की सबसे लोकप्रिय और आकर्षक हस्तियों की सूची में शामिल होते हैं एक नियमित ब्रांड एंडोर्सर, उन्होंने 2019 में अपनी कॉस्मेटिक लाइन के ब्यूटी लॉन्च की व स्टेज शो में भाग लेती है और अपनी मां की चैरिटी रिलीफ प्रोजेक्ट्स इंडिया से जुड़ी है जो वंचित बच्चों की मदद के लिए काम करती है कैफ ने अभिनेत अभिनेता विक्की कौशल से शादी की है 2019 में कैफ ने एक बार फिर से सलमान खान और अली अब्बास जफर के साथ नाटक भारत में सहयोग किया जो दक्षिण कोरियाई फिल्म ओड टू मार वो टू माय फादर 2014 का रूपांतरण था कैफ ने एक इंजीनियर की भूमिका में प्रियंका चोपड़ा की जगह ली जिससे खान के चरित्र से प्यार हो जाता है कैफ ने मीडिया के उन अटकटों को खारिज कर दिया कि उन्होंने यह भूमिका अपने दोस्त खान के पक्ष में स्वीकार किया है और स्क्रिप्ट की सराहना का हवाला दिया भारत दो की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई जबकि फिल्म की समीक्षाएँ अलग अलग थी गॉर्जियन में माइक मैकोहिल ने कैफ और खान के बीच अच्छी केमिस्ट्री को नोट किया और सोच की सोचा कि उनके नजरिए में ईमानदारी ने दर्शकों को उनके चरित्र के संदिग्ध विकल्पों को नजरअंदाज करने में मदद की कैफ की 2020 की एकमात्र फिल्म अक्षय कुमार के साथ रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी होती है लेकिन भारत में कोविड 19 महामारी के कारण नवंबर 2021 में इसकी अंतिम रिलीज तक कई देरी हुई शेट्टी की लार्जर देन लाइफ निर्देशन शैली के प्रशंसक कैफ ने कुमार के किरदार की पत्नी की भूमिका निभाई सूर्यवंशी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और कुछ समय के लिए भारत के साल की भारत की साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई कैफ ने अगली बार कॉमेडी हॉरर फिल्म फोन भूत दो में सिद्धार्थ चतुर्वेदी और ईशान खट्टर के साथ एक भूत की भूमिका निभाई द इंडियन एक्सप्रेस और द वीक के समीक्षक उनकी कॉमेडी टाइमिंग से प्रभावित नहीं थे वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स के हिस्से के रूप में कैफ ने अगली बार टाइगर थ्री 2023 में जोया के रूप में अपनी भूमिकाएं दोहराई उन्होंने फिल्म में अपने स्टारर करने के लिए दो महीने के शारीरिक प्रतिक्षण को अपने करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण माना आलोचक रोजर एबॉट की वेबसाइट में एक समीक्षक ने लिखा है कि कैफ को कुछ दृश्य चुराने के को मिलते हैं विशेष रूप से स्नात स्नानगर में एक युद्ध दृश्य जबकि वह अपने सहकलाकार सलमान खान की तुलना में बंदूक के साथ एक बेहतर बनाए रखती है टाइगर थ्री को कैफ के करियर का सबसे बड़ा शुरुआती सप्ताह हाथ मिला और इसने दुनिया भर में 4.6 बिलियन से अधिक की कमाई की वह राघवन की द्विभाषी थ्रिलर मेरी क्रिसमस में विजय सेतुपति के साथ अभिनय करेंगी अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान एक भारतीय अभिनेता हैं फिल्म निर्माता और टेलीविजन व्यक्तित्व हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं तीन दशकों से अधिक के करियर में खान को कई पुरस्कार मिले हैं जिनमें एक फिल्म निर्माता के रूप में दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और एक अभिनेता के रूप में एक फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है मीडिया में उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे व्यावसायिक रूप से सफल अभिनेताओं में से एक के रूप में उद्धृत किया जाता है फोर्ब्स 2015 में और 2018 में खान को दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मशहूर हस्तियों की सूची में शामिल किया है जिसके बाद के वर्ष में वह सबसे ज्यादा रैंक वाले भारतीय रहे खान ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बीबी होत वैसे दो 1988 में एक सहायक भूमिका के साथ की इसके बाद उन्हें सूरज बड़जात्या की रोमांस मैंने प्यार किया 1989 में एक प्रमुख भूमिका के साथ सफलता की सफलता मिली उन्होंने 1990 के दशक में कई व्यवसायिक रूप से सफल फिल्मों के साथ खुद को स्थापित किया जिसमें बरजात्या की पारिवारिक ड्रामा हम आपके हैं कौन भी शामिल है उन्नीस में और हम साथ साथ हैं उन्नीस एक्शन फिल्म करण अर्जुन उन्नीस और कॉमेडी बीबी नंबर वन उन्नीस सौ दो हज़ार के दशक में गिरावट की अवधि के बाद खान ने 2010 के दशक में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्शन फिल्मों दबंग 2010, हज़ार दस रेडी दो बॉडी गार्ड दो हज़ार दो हज़ार चौदह और टाइगर जिंदा दो हज़ार सत्रह और बजरंगी भाईजान दो हज़ार पंद्रह और सुल्तान दो हजार सोलह जैसे नाटक खान दस व्यक्तिगत वर्षों में वार्षिक सरवि के कमाई करने वाले हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है जो किसी भी अभिनेता के लिए सबसे अधिक है अपने अभिनय करियर के अलावा खान एक टेलीविजन प्रस्तुता है और अपनी चैरिटी बिंग ह्यूमन फाउंडेशन के माध्यम से मानवीय कारणों को बढ़ावा देते हैं 2018 में खान ने वर्ष की अपनी एकमात्र रिलीज रेस थ्री एक एक्शन फिल्म में प्रमुख भूमिका निभाई फिल्म में अनिल कपूर बॉबी देवल जैकलीन फर्नांडेस और अन्य कलाकार शामिल थे फिल्म की कहानी कमजोर प्रदर्शन और क्लाइमैक्स के लिए आलोचना की गई थी बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इसे औसत कमाई वाली फिल्म घोषित किया खान ने भारत में अभिनय किया जो पाँच जून दो को रिलीज हुई और दबंग जो दो दबंग थ्री जो 20 दिसंबर 2019 को रिलीज हुई भारत एक मध्य हिट थी जबकि दबंग थ्री व्यावसायिक रूप से फ्लॉप हो गई इस बीच किक टू जो कि क्रिसमस 2019 के आसपास रिलीज होने वाली थी इस उसमें देरी हो गई उन्होंने 13 मई 2021 को रिलीज हुई राधे में अभिनय किया जिसे नकारात्मक समीक्षा मिली उनकी अगली फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुत जहां उन्होंने दूसरी मुख्य भूमिका निभाई आलोचकों से विकसित समीक्षा मिली लेकिन खान के प्रदर्शन की काफी सराहना की गई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई इसके बाद उन्होंने टाइगर के रूप में अपनी नामांकन भूमिका को दोहराते हुए पठान में एक कैमियो किया उसी वर्ष उन्होंने फरहाद सामजी धारा निर्देशित वीरम की रीमेक कि किसी का भाई किसी की जान में अभिनय किया फिल्म को मिकसित समीक्षा मिली और यह अभिनेता के लिए बॉक्स ऑफिस पर एक औसत फ्लॉप साबित हुई वाई आर यूनिवर्स के हिस्से के रूप में खान ने अगली बार टाइगर थ्री दो हज़ार तेईस में टाइगर के रूप में अपने भूमिका दोहराई फिल्म ने दुनिया भर में 4.6 बिलियन से अधिक की कमाई की है इमरान अनवर हाशमी एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी सिनेमा में काम करते हैं भट्ट परिवार में जन्मे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत हॉरर फिल्म राज 2002 दो में सहायक निर्देशक के रूप में की उन्होंने अपराध फिल्म फुटपाथ 2003 से अपने अभिनय की शुरुआत की और का कामुक थ्रिलर मर्डर 2004 में अपनी अभिनियत भूमिका के लिए सफलता हासिल की हाशमी ने कलायुग दो हजार गैंगस्टर्स लव स्टोरी 2006 और आवारापन 2007 हजार जैसी थ्रिलर फिल्मों में अभिनय किया उनकी अन्य समीक्षकों या व्यवसायिक रूप से सफल फिल्में जन्नत 2008 राज द राज मिस्ट्री, मिस्ट्री कस्ट्यूज कंटिन्यूज 2009 मर्डर टू दो हज़ार ग्यारह द डॉटी पिक्चर दो हज़ार ग्यारह जन्न टू दो हज़ार बारह शामिल है शंघाई दो हज़ार बारह और राज थ्री द दा थर्ड डायमेंशन दो हज़ार बारह इसके बाद खराब प्रतिक्रिया वाली फिल्मों की एक श्रृंखला आई और एक अंतराल आया उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल एक्शन थ्रिलर द टाइगर थ्री के साथ वापसी की हाशमी का करियर तब पुनर्जीवित हुआ जब उन्होंने मनीष शर्मा की एक्शन थ्रिलर टाइगर थ्री में सलमान खान और कैटरीना कैप से के कलाकार आतीश रहमान के रूप में अभिनय किया यह फिल्म वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है रिलीज होने पर फिल्म को समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें हाशमी के प्रदर्शन की विशेष सफलता हो विशेष प्रशंसा हुई बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यवसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने दुनिया भर में चार से बासठ पॉइंट सेवन वन करोड़ की कमाई की वर्ष की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों के रूप में रैंकिंग वर्ष की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और अब तक की तेईसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म हाशमी सुजीत की एक्शन थ्रिलर ओजी के साथ तेलुगु सिनेमा में अपनी शुरुआत करेंगे जिसमें उनके कलाकार पवन कल्याण और प्रियंका अरुल मोहन होंगे टाइगर थ्री एक दो तेईस भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो वाई आर एफ एसफाई यूनिवर्स में पाँचवीं किस्त है सलमान खान कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी अभिनीतिया मनीष शर्मा धारा निर्देशित और यशराज फिल्म के तहत आदित्य चोपड़ा धारा निर्मित है टाइगर जिंदा है दो की अगली कड़ी यह फिल्म वार 2019 और पठान 2023 की घटनाओं पर आधारित है इसमें टाइगर और जोया एक दुष्ट आईएसआई एजेंट को रोकने के लिए निकलते हैं पाकिस्तान सरकार के खिलाफ तख्त पलट करने के लिए उनका इस्तेमाल करता है प्रमुख फोटोग्राफी मार्च दो में दिल्ली मुंबई इस्तांबुल सेंट पीटर्सबर्ग और वियना में की फिल्माया के फिल्म के फिल्मांकन के साथ शुरू हुई फिल्म का साउंड ट्रैक प्रीतम धारा रचित है जबकि बैकग्राउंड स्कोर तनुष्ट टीकू धारा रचित है 300 करोड़ के अनुमानित बजट के साथ यह सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है और यश राज फिल्म धारा निर्मित सबसे महंगी फिल्म है टाइगर थ्री को दिवाली के अवसर पर 12 नवंबर दो को मानक आई मैक्स और अन्य प्रारूप प्रीमियर प्रारूपों में रिलीज किया गया था इस आलोचकों से विकसित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके एक्शन दृश्य संगीत और कैफ और हाशमी के प्रदर्शन की प्रशंसा हुई लेकिन इसके कथानक और गति की आलोचना हुई फिल्म ने दुनिया भर में चार करोड़ की कमाई की जो 2023 की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और 2023 की आठवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई टाइगर थ्री को शुरू में ईद के अवसर पर 21 अप्रैल 2023 को रिलीज किया जाना था फिर इसे 12 नवंबर 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया और नौ दिवासी दिवाली के अवसर पर तमिल और तेलुगु में डब संस्करणों के साथ हिंदी में दुनिया भर में 8900 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया इस्लामिक देशों में के नकारात्मक चित्रण के कारण फिल्म को ओमान कुवैत और कतर में प्रतिबंधित कर दिया गया था फिल्म का प्रीमियर 7 जनवरी 2024 से Amazon प्राइम वीडियो पर किया गया था 15 दिसंबर 2023 तक टाइगर ने भारत में 3 से 45.78 करोड़ से अधिक और विदेशो बाजारों में 120.55 करोड़ से अधिक की कमाई की दुनिया भर में कुल कर, से अधिक की कमाई हुई इस फिल्म ने दिवाली पर किसी हिंदी भाषा की फिल्म के लिए सबसे अधिक ओपनिंग डे पर चौरानवे करोड़ की कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया जिसमें उत्तरी अमेरिका में भूग भुगतान किए गए पूर्वालोकन से 7.76 करोड़ शामिल थे फिल्म के हिंदी संस्करण ने भारत में रिकॉर्ड तोड़ तैतालीस करोड़ की कमाई की इसके डब तमिल और तेलुगु संस्करण से अतिरिक्त 1.50 करोड़ कमाए, कुल मिलाकर 44.50 करोड़ यह खान और कैप दोनों के लिए सबसे बड़ा वैश्विक शुरुआती सप्ताह था समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रूटीन टोमैटोज पर इक्कीस आलोचकों में से सत्तावन परसेंट समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग दस में से सिक्स है टाइगर थ्री को रिलीज होने पर आलोचकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें इसके एक्शन दृश्य संगीत स्कोर तकनीकी पहलुओं और कलाकारों के प्रदर्शन विशेषकर कैफ और हाशमी के लिए प्रशंसा हुई लेकिन इसकी कथानक और गति के लिए आलोचना हुई बॉलीवुड हंगामा के तरुण आदर्श ने फिल्म को पाँच में से चार स्टार दिया और लिखा टाइगर थ्री सबसे बड़ा धमाका है जिसकी आप इस दिवाली उम्मीद कर सकते हैं ने दूसरे भाग और खान कैफ और हाशमी के प्रदर्शन की प्रशंसा की और शाहरुख खान के कैमियो की सराहना की पिंकवीला के हिमेश ने फिल्म को पाँच में से तिर फाइव स्टार दिया और लिखा टाइगर थ्री में खान कैफ और हाशमी के सशक्त प्रदर्शन के साथ जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस है जबकि कुछ स्थानों पर गति एक मुद्दा है मुख्य कथानक का में काफी कुछ है बड़े पर्दे पर आपको बांधे रखने के लिए एक भावनात्मक जुड़ाव यह फिल्म एक एक्शन से भरपूर मनोरंजक किया फिल्म है जिसमें खान की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने के लिए सभी सामग्रिया है न्यूज एटीन के सुनील देदिया ने फिल्म को पांच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया और लिखा टाइगर थ्री में खान और कैफ के साथ कुछ उत्कृष्ट एक्शन दृश्य हैं है आज में एक खलनायक के रूप में अपनी भूमिकाएं भूमिका के साथ न्याय करते हैं टाइगर थ्री में कई प्यार प्यारे योग्य क्षण हैं जिसमें शामिल है कैमियो जिसे हर कोई जानता है। खान प्रशंसकों को इस दिवाली एक सौगात मिलने वाली है फर्स्ट पोस्ट के विनम्र माथुर ने पांच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए और लिखा खान और कैफ पूरे जोश के साथ टाइगर थ्री के एक्शन के लिए खुद को प्रस्तुत करते हैं फिल्म स्टाइलिश चिकनी दिखती है लेकिन थोड़ी लंबी है केवल अगर इसमें अधिक रोमांच और तनाव हो और कम बात करना टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कुटेजा ने फिल्म को पाँच में से तीन स्टार दिए और लिखा टाइगर थ्री बड़े पैमाने पर मनोरंजन के लिए पर्याप्त बारूद के साथ फ्रेंचाइजी के लिए एक अच्छा अतिरिक्त है इंडिया टुडे के जीनिया बंदोपाध्याय ने पाँच में से तीन स्टार दिए और लिखा एक भीड़ वाले जासूसी ब्रह्मांड के बावजूद टाइगर थ्री अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब है खान प्रशंसक निराश नहीं होंगे लेकिन कोई कैफ को जोया सीरीज का नाम दें एनटीवी के शैबा चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिया और लिखा एक या दो सितारों की उपस्थिति के बिना सभी तकनीकी रज्जा रज्जा मातु शून्य हो जाते जो चमक जोड़ सकते हैं भले ही सतही प्रकार की अभ्यास में द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को पाँच में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिए और लिखा खान अपनी उम्र के लिए लग रहे हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि यह इसे छिपा नहीं रहे हैं और निश्चित रूप से फिल्म का सबसे अच्छा हिस्सा वह है जब पठान और शाहरुख खान अपने बालों के साथ मैन वन और स्मार्ट वन लाइनर शूट करते हुए में उड़ते हुए आते हैं की वर्मा ने पांच में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिए और लिखा बहुत बुरा हुआ कि एक समय पर्यावरण के अनुकूल था टाइगर ने अपनी दिवाली मीठा के साथ मनाना चुनाना की पटाखा के साथ हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल को क्रेजा ने इसकी गति को असंगत कहा और लिखा टाइगर थ्री विशाल मशाला और अवश्य देखी जाने वाली है इसलिए नहीं कि यह एक उत्कृष्ट कृति है बल्कि इसलिए क्योंकि हम हर रोज नहीं होता है कि आप दो सुपरस्टारों को स्क्रीन स्पेस इस साझा करते हुए देखें भले ही वह कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो थोड़ी देर निर्देशक के रूप में शर्मा ने सभी तत्वों को इस तरह से पैक किया है कि यह एक दिलचस्प घड़ी बन जाए जबकि कहानी और व्यापक कथानक का काफी जटिल और जटिल है जिसमें हर कुछ मिनटों में एक नया मोड और मोड आने का इंतजार रहता है लेकिन जो समस्या बनी रहती है वह है असंगत गति क्वीट के प्रत्यक्ष मिश्रा ने लिखा टाइगर थ्री उन फिल्मों में से एक है जिन्हें शुद्ध एक्शन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी टाइगर और जोया के बीच की प्रेम कहानी टाइगर फ्रेंचाइजी का मुख्य आकर्षण है इसके बजाय टाइगर थ्री एक पर केंद्रित है एक उद्धतकर्ता परिसर और प्रदर्शनी का मदन मदक मिश्रण है रोस्टर में नए शामिल होने और पुराने परिचित चेहरों के मिश्रण में लौटने के बावजूद टाइगर थ्री में कहानी को बनाने के लिए आवश्यक रोमांच और चुटचपा चुट चुट नहीं है दोस्तों बात करें फिल्म की कथानक के बारे में तो उन्नीस में एक किशोरी जोया अपने पिता आईएसआई एजेंट रेहान नजर को एक बम विस्फोट में मरते हुए देखती है उसके अंतिम संस्कार संस्कार के बाद नजर का विषय आतिश रहमान उससे मिलने जाता है जो उसे आईएसआई में शामिल होने के लिए मना लेता है वर्तमान में अविनाश टाइगर सिंह राठौर को नए प्रमुख मैथिली मेनन धारा टाइगर के पूर्व गोपी आर्य को बचाने के के लिए लिए एक मिशन के लिए बुलाया जाता है जिसे पाकिस्तान में योजना बनाए जा रहे हैं एक मिशन के बारे में तालिबान से जानकारी निकालने के लिए की कोशिश के बाद अफगानिस्तान में पकड़ लिया गया था अपने बचाव के बात गोपी ने टाइगर को बताया कि जोया नियोजित मिशन में शामिल है और उसकी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई टाइगर जोया की जासूसी करना शुरू कर देता है और बाद में उसे रूस के सेंट पी, पीटर्सबर्ग में जिब्रान शेख नामक एक रॉ एजेंट की सुरक्षा का काम सौंपा जाता है जो गोपी के साथ काम करता था और पाकिस्तान में पाए जाने के बाद देश से भाग जा गया था टाइगर ने जोया धारा शेख की हत्या के प्रयास को देखा उसे बचाने का के बाद टाइगर को आतीश ने पकड़ लिया जिसने खुलासा किया कि उसने जोया को लगभग नशीला पदार्थ खिलाकर और टाइगर के बेटे जूनियर का अपहरण करके शेख की हत्या करने के लिए मजबूर किया था बारह साल पहले है कि फ्लैशबैक में यह पता चलता है कि आतिश ने भारतीय सेना के जनरल की हत्या करके वियना में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति संधि को पटरी से उतारने की कोशिश की थी योजना में सहयोग करने से इनकार करने के बाद जोया गुप्ता रूप से गुप्त रूप से टाइगर को सूचित करती है आतिश की गर्भवती पत्नी शाहीन बेग ने खुद हत्या का प्रयास किया लेकिन टाइगर ने उसे गोली मार दी आतिश ने इस बात से इनकार किया कि उसके एजेंटों को योजना के बारे में पता था और बाद में उसे जेल में डाल दिया गया और आईएसआई से बाहर कर दिया गया टाइगर और जोया जूनियर के बदले में इस्तांबुल में मिसाइल लॉन्च कोड वाले आतिश के लिए एक विफकेश चुराने के लिए राह एजेंटो राकेश कारण और करण और निखिल की पत्नी टीम की भर्ती करते हैं इसके बाद आतिश ने टाइगर और जोया को उनके संबंधित देशों द्वारा देशद्रोही के रूप में दोषी ठहराया जिसके कारण टाइगर को उत्तरी पाकिस्तान की एक सेना जेल में बंद कर दिया गया टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है लेकिन वह पठान की मदद से भागने में सफल हो जाता है इसके बाद वह इस्लामाबाद की यात्रा करता है जहां वह अपने दत्तक पुत्र हसन से मिलता है जिसे टाइगर ने स्क्रिया में स्क्रीट में एक मिशन में बचाना बचाया था टाइगर की टीम जोया और आईएसआई एजेंट अबरार और जावेद इस्लामाबाद लौटते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि आतिश और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल इम्तियाज हक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या करने की योजना बना रहे हैं ताकि अतीश उनकी जगह ले सके टाइगर जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से पाकिस्तान के पीएमओ में प्रवेश करती है और ईरानी को योजना बताती है टाइगर और जोया ईरानी को एक भूमि भूमिगत बंकर में ले जाते हैं और टाइगर हक को सार्वजनिक रूप से योजना का खुलासा करने के लिए मजबूर करते हैं हालांकि आतिश ने जावेद की मदद से हक को गुप्त रूप से मार डाला जो हाशी शाहीन का भाई बताया गया और टाइगर को हक की हत्या के लिए फंसाया अबरार और करण को आतिश और जावेद ने मार डाला जो ईरानी का पता लगाने लगाते हैं हर्षन ने खुद को बाली दान कर दिया जिससे टाइगर और जोया को ईरानी को भगाने में मदद करने का मौका मिला जोया ने जावेद की हत्या करने के अबरार और करण की मौत का बदला लिया टाइगर और आतीश के बीच लड़ाई हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप टाइगर आतीश को मार देता है ईरानी ने आतीश की साजिश को जनता के सामने उजागर कर दिया और टाइगर जोया और उनकी टीम निर्दोष साबित हुई टाइगर मेनन से संपर्क करता है और उसे आश्वासन देता है कि वह हमेशा अपने देश की सेवा के लिए मौजूद रहेगा मेड क्रेडिट दृश्य में कर्नल सुनील लूथरा कबीर धालीवाल से संपर्क करते हैं और उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या करने का काम सौंपते हैं अविनाश टाइगर सिंह राठौर एक राव एजेंट और जोया के पति के रूप में सलमान खान जोया के रूप में कैटरीना कैफ इमरान हाशमी आतिश रहमान के रूप में रेवती राव की प्रमुख मैथिली मेनन के रूप में सिमरन पाकिस्तान की प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी के रूप में शाहीन बेग आतिश की पत्नी और जावेद की बहन के रूप में रिद्धि डोगरा हसन अली के रूप में विशाल जेठवा राकेश प्रसाद चौरसिया के रूप में कुमुद मिश्रा टाइगर के पूर्व हैडलर गोपी आर्य के रूप में रणवीर सौरी जोया के पिता रेहान नजर के रूप में आमिर बशीर गेवी चहल मेसर अबरार के रूप में करण राव के रूप में अनंत विधास्त शर्मा शाहीन के भाई कैप्टन जावेद बेग के रूप में दानिश भट्ट शरताज कक्कड़ जूनियर टाइगर के और जोया के बेटे के रूप में निखिल के रूप में चंद्रचूड़ राय जनरल इज्तिमा कहक सेना प्रमुख के रूप में शाहिद लतीफ डॉक्टर हाफमैन के रूप में एडवर्स सोनेल नलबीर जिब्रान शेख के रूप में नीरज पुरोहित दानिक हुसैन आई के महानिदेशक जनरल डीजी रियाज के रूप में जनरल जिमो के रूप में मिशेल ली अनिल कुरुवल्ला भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में डेंजिल स्मिथ भारतीय रक्षा मंत्री के रूप में विमल ओबरॉय जनरल रिबेल थल के रूप में गुरकीत कौर युवा जोया के रूप में रमीज के रूप में संदीप कुलकर्णी शकील पाकिस्तानी प्रिजन गार्ड के रूप में वरिंदर सिंह गुमन पठान के रूप में शाहरुख खान विशेष उपस्थिति में कर्नल सुनील लूथरा के रूप में आशुतोष राणा कैमियो उपस्थिति मेजर कवि कबीर शी धालीवार के रूप में ऋतिक रिति, रोशन कैमियो उपस्थिति 2020 की शुरुआत में यह बताया गया कि टाइगर जिंदा है 2017 का सीक्वल विकास में था जिसमें सलमान खान और कैटरीना कैप अपनी भूमिकाओं को दोहरा रहे थे 2020 के अंत में मनीष शर्मा को मनीष शर्मा को अली अब्बास जफर की जगह लेते हुए फिल्म का निर्देशन करने के लिए चुना गया जिन्होंने पिछली किस्त का निर्देशन किया था 4 मार्च 2022 को यशराज फिल्म्स द्वारा इस परियोजना की घोषणा की गई थी शानू शर्मा फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर थी फरवरी 2021 में सलमान खान और कैटरीना कैफ के टाइगर और जोया के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराने की पुष्टि की गई जिसमें इमरान हाशमी को खलनायक के रूप में लिया गया अनुपस्थित रहने के बाद रणवीर और शोरी को फ्रेंचाइजी में लौटने की घोषणा की गई टा, टाइगर जिंदा है में विशाल जेठवा अक्टूबर 2021 में कलाकारों में शामिल हुए जबकि रेवती और रिद्धि डोगरा को एक महीने बाद चुना गया शाहरुख खान और ऋतिक रोशन ने कैमियो भूमिका में क्रमोश पठान और मेजर कबीर धालीवाल के रूप में अपनी भूमिकाएं दोहराई मुख्य फोटोग्राफी मार्च दो हज़ार इक्कीस के तीसरे सप्ताह में दिल्ली और मुंबई में शुरू हुई छब्बीस फरवरी दो हज़ार इक्कीस को मुंबई के आ वाई आर एफ स्टूडियो में एक प्रारंभिक पूजा आयोजित की गई थी इसके बाद फिल्मांकन तुर्की में हुआ जिसमें कंपाडोसिया अंतालिया और इस्तांबुल शामिल थे जबकि जबकि अगस्त 2021 में सेट पीट्सबर्ग में एक पीटरबर्ग में एक कार का पीछा करने का दृश्य फिल्माया गया था अतिरिक्त दृश्य ऑस्ट्रिया में फिल्माए गए थे और अल्टोसिया में सितंबर 2021 में भारत में फिल्मांकन फरवरी 2020 तक नई दिल्ली में फिर से शुरू हुआ और आगे के एक्शन दृश्यों को अप्रैल 2023 में मुंबई में फिल्माया गया शाहरुख खान का कैमियो था आइलैंड में 10 दिनों के शेड्यूल के भीतर फिल्माया गया जहां एक एक्शन सीक्वेंस के लिए एक बड़े सेट का निर्माण किया गया था ऋतिक रोशन का कैमियो वार्ड टू के निर्देशक अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित किया गया था फिल्मांकन मई दो में संपर्क हुआ संपन्न हुआ फिल्म का साउंड ट्रैक प्रीतम धारा संगीतबद्ध किया गया था जबकि इर्शाद कामिल और अमिताभ भट्टाचार्य ने गीत लिखे थे बैकग्राउंड स्कोर तनुज टीकू धारा तैयार किया गया था पहला एकल शीर्षक लेके प्रभु का नाम तेईस अक्टूबर दो हज़ार तेईस को जारी किया गया था दूसरा एकल शीर्षक रुआ छः नवंबर दो हज़ार तेईस को जारी किया गया था टाइगर का मैसेज नामक एक टीजर सत्ताईस सितंबर दो को जारी किया गया था आधिकारिक ट्रेलर सोलह अक्टूबर दो को जारी किया गया था कैटरीना कैफ एक ब्रिटिश अभिनेत्री हैं जो हिंदी भाषा की फिल्मों में काम करती है भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक उन्हें तीन फिल्मफेयर नामांकन के अलावा चार स्क्रीन पुरस्कार और चार जी सीने पुरस्कार सहित प्रशंसा मिली है हालांकि उनके अभिनय का स्वागत अलग अलग है फिर भी उन्हें उनकी एक्शन फिल्म भूमिकाओं और विभिन्न सफल आइटम नंबरों में उनकी नृत्य क्षमता के लिए जाना जाता है हंगकांग में जन्मी कैब तीन साल के लिए लंदन जाने से पहले कई देशों में रही उन्हें किशोरावस्था में अपना पहला मॉडलिंग असाइनमेंट मिला और बाद में उन्होंने एक फैशन मॉडल के रूप में अपना करियर बनाया लंदन में एक फैशन शो में भारतीय फिल्म निर्माता कैजाद कुस्ताद ने उन्हें बूम 2003 में कास्ट किया जो एक महत्वपूर्ण और व्यवसायिक विफलता थी जबकि कैप ने भारत में एक सफल मॉडलिंग करियर स्थापित किया लेकिन हिंदी पर उनकी खराब के पकड़ के कारण शुरू में उन्हें फिल्म भूमिकाएं ढूंढने में कठिनाई हुई तेलुगु फिल्म मल्लेश्वरी 2004 में दिखाई देने के बाद कैप ने रोमांटिक कॉमेडी मैंने प्यार क्यों किया से बॉलीवुड में व्यावसायिक सफलता अर्जित की 2005 और नमस्ते लंदन 2007 बॉक्स सात ऑफिस पर हिट फिल्मों की एक श्रृंखला के साथ आगे सफलता मिली लेकिन उनके अभिनय दोहराव वाली भूमिकाओं और पुरुष प्रधान फिल्मों के प्रति झुकाव के लिए उनकी आलोचना की गई थ्रिलर न्यूयॉर्क 2009 और रोमांटिक कॉमेडी मेरे ब्रदर की दुल्हन 2021 में कैफ के प्रदर्शन को बेहतर सराहना मिली जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला इस अवधि के दौरान उन्होंने अजब प्रेम की गजब कहानी 2009 राजनीति 2010 और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2011 में अभिनय किया और एक्शन थ्रिलर एक था टाइगर 2012 धूम थ्री 2013 में उन्हें बड़ी व्यावसायिक सफलता मिली और बैंग बैंग 2014 हजार सभी फिल्मों सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से शुमार है सबसे व्यवसायिक सफलता विधिक रही है एक्शन फिल्में टाइगर जिंदा है 2017 हज़ार सत्रह सूर्यवंशी दो, दो, टाइगर दो और टाइगर थ्री दो और ड्रामा भारत दो बॉक्स ऑफिस पर हिट बनकर उभरी रोमांटिक ड्रामा जीरो दो में कैफ की एक शराबी अभिनेत्री की भूमिका ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का जी पुरस्कार दिलाया मीडिया में कैफ अक्सर भारत की सबसे लोकप्रिय और आकर्षक हस्तियों की सूची में शामिल होते हैं एक नियमित ब्रांड एंडोरसन उन्होंने 2019 में अपनी कॉस्मेटिक लाइन के ब्यूटी लॉन्च की व स्टेज शो में भाग लेती है और अपनी मां की चैरिटी रिलीफ प्रोजेक्ट्स इंडिया से जुड़ी है जो वंचित बच्चों की मदद के लिए काम करती है कैफ ने अभिनेत अभिनेता विक्की कौशल से शादी की है 2019 में कैफ ने एक बार फिर से सलमान खान और अली अब्बास जफर के साथ नाटक भारत में सहयोग किया जो दक्षिण कोरियाई फिल्म ओड टू मार वो टू माय फादर दो चौदह का रूपांतरण था कैफ ने एक इंजीनियर की भूमिका में प्रियंका चोपड़ा की जगह ली जिसे खान के चरित्र से प्यार हो जाता है कैफ ने मीडिया के उन अटकटों को खारिज कर दिया कि उन्होंने यह भूमिका अपने दोस्त खान के पक्ष में स्वीकार किया है और स्क्रिप्ट की सराहना का हवाला दिया भारत दो की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई जबकि फिल्म की समीक्षाएँ अलग अलग थी द गॉर्जियन में माइक मैकोहिल ने कैफ और खान के बीच अच्छी केमिस्ट्री को नोट किया और सोच की, सोचा कि की उनके नजरिए में ईमानदारी ने दर्शकों को उनके चरित्र के संदिग्ध विकल्पों को नजरअंदाज करने में मदद की कैफ की 2020 की एकमात्र फिल्म अक्षय कुमार के साथ रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी होती है लेकिन भारत में कोविड 19 महामारी के कारण नवंबर 2021 में इसकी अंतिम रिलीज तक कई देरी हुई शेट्टी की लार्जर देन लाइफ निर्देशन शैली के प्रशंसक कैफ ने कुमार के किरदार की पत्नी की भूमिका निभाई सूर्यवंशी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और कुछ समय के लिए भारत की साल की भारत की साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई कैफ ने अगली बार कॉमेडी हॉरर फिल्म फोन भूत दो में सिद्धार्थ चतुर्वेदी और ईशान खट्टर के साथ एक भूत की भूमिका निभाई द इंडियन एक्सप्रेस और द वीक के समीक्षक उनकी कॉमेडी टाइमिंग से प्रभावित नहीं थे वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स के हिस्से के रूप में कैफ ने अगली बार टाइगर थ्री 2023 में जोया के रूप में अपनी भूमिकाएं दोहराई उन्होंने फिल्म में अपने स्टारर करने के लिए दो महीने के शारीरिक प्रतिक्षण को अपने करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण माना आलोचक रोजर एबॉट की वेबसाइट में एक समीक्षक ने लिखा है कि कैफ को कुछ दृश्य चुराने के को मिलते हैं विशेष रूप से स्नात स्नानगर में एक युद्ध दृश्य जबकि वह अपने सकलाकार सलमान खान की तुलना में बंदूक के साथ एक बेहतर आकर्षण बनाए रखती है टाइगर थ्री को कैफ के करियर का सबसे बड़ा शुरुआती सप्ताह हाथ मिला और इसने दुनिया भर में 4.6 बिलियन से अधिक की कमाई की वह राघवन की द्विभाषी थ्रिलर मेरी क्रिसमस में विजय सेतुपति के साथ अभिनय करेंगी अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान एक भारतीय अभिनेता हैं फिल्म निर्माता और टेलीविजन व्यक्तित्व हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं तीन दशकों से अधिक के करियर में खान को कई पुरस्कार मिले हैं जिनमें एक फिल्म निर्माता के रूप में दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और एक अभिनेता के रूप में एक फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल है मीडिया में उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे व्यावसायिक रूप से सफल अभिनेताओं में से एक के रूप में उद्धृत किया जाता है फोर्ब्स 2015 में और 2018 में खान को दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मशहूर हस्तियों की सूची में शामिल किया है जिसके बाद के वर्ष में वह सबसे ज्यादा रैंक वाले भारतीय रहे खान ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बीवी हो तो वैसे दो 1988 में एक सहायक भूमिका के साथ की इसके बाद उन्हें सूरज बड़जात्या की रोमांस में मैंने प्यार किया 1989 में एक प्रमुख भूमिका के साथ सफलता की सफलता मिली उन्होंने 1990 के दशक में कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों के साथ खुद को स्थापित किया जिसमें बरजात्या की पारिवारिक ड्रामा हम आपके हैं कौन भी शामिल है उन्नीस में और हम साथ हैं उन्नीस सौ एक्शन फिल्म करण अर्जुन उन्नीस और कॉमेडी बीबी नंबर वन उन्नीस सौ के दशक में गिरावट की अवधि के बाद खान ने 2010 के दशक में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एक्शन फिल्मों दबंग 2010 हज़ार दस रेडी दो हज़ार ग्यारह बॉडीगार्ड 2016 और एक था टाइगर 2012 दबंग 2 2012 किक 2014 और टाइगर जिंदा है 2017 और बजरंगी भाईजान 2015 और सुल्तान 2016 जैसे नाटक खान 10 व्यक्तिगत वर्षों में वार्षिक सर्वाधिक के कमाई करने वाले हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है जो किसी भी अभिनेता के लिए सबसे अधिक है अपने अभिनय करियर के अलावा खान एक टेलीविजन प्रस्तुत है और अपनी चैरिटी बिंग ह्यूमन फाउंडेशन के माध्यम से मानवीय कारणों को बढ़ावा देते हैं